चैप्टर 01-10। आज से आप तीसरी मंजिल पर क्षेत्र ए के प्रभारी होंगे। क्लर्क ने यंत्रवत रूप से ये जियो को एक वर्क परमिट फेंक दिया, जिसने इस नए जीवन में काम करने की शुरुआत को चिन्हित किया। ये जियो ने उसे धन्यवाद दिया और तीसरी मंजिल पर जाने के लिए मुड़ गया। जैसे ही क्लर्क ने उसे जाते हुए देखा, उसने थोड़ा सिर हिलाया। अफसोस की बात है, युवक अत्यंत सुंदर है, लेकिन उसकी दिव्य आत्मा अभी जागृत नहीं हुई है। कचरा, ये जियो ने क्लर्क की बातें नहीं सुनी थी। उस समय वह अपने वर्तमान शरीर की यादें प्राप्त कर रहा था। 10 मिनट पहले उनकी गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। पलक झपकते ही वह एक समानांतर दुनिया में चला गया था। उस दुनिया की सभ्यता उसकी पिछली सभ्यता जैसी ही थी। अंतर केवल इतना था कि वर्तमान मार्शल आर्ट की दुनिया थी। मार्शल आर्ट के पुनरुद्धार ने मनुष्यों को मुख्य रूप से खेती पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया था। साधना के माध्यम से नियमित लोग अमर हो सकते थे, जैसे उनके द्वारा अपने पिछले जीवन में पढ़े गए उपन्यासों में। उनका जीवन काल बढ़ जाएगा और वे विशाल आकाश में उड़ सकते हैं। हालांकि साधना में महान सफलता प्राप्त करने के लिए एक शर्त थी, दिव्य आत्मा नामक किसी चीज को जगाना। जाहिर है, उस दुनिया में ये जियो को अभी अपनी दिव्य आत्मा को जगाना था। वह केवल कुछ औसत दर्जे की मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता था और उसका मजदूर बनना तय था। क्या कचरा है। हालांकि ये जियो ने जल्द ही राहत महसूस की। वह मार्शल आर्ट पथ में कोई महान उपलब्धि हासिल नहीं कर सका, जिसका अर्थ यह भी था कि उसे किसी बड़े खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने पिछले जीवन में ये जियो, जो बीमारी और दर्द से तड़प रहा था, जीना चाहता था। जीना किसी और चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। वह जिस पुस्तकालय में काम करेंगे, वहां भोजन और आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा मासिक वेतन 3,500 युआन था और पूरी लाइब्रेरी 24 घंटे वातानुकूलित थी। हवा में भी अच्छी खुशबू आ रही थी। क्या यह क्षेत्र ए है? ये जियो अपने काम से संतुष्ट था। प्रत्येक शहर की अपनी मार्शल आर्ट लाइब्रेरी थी, जिसमें मार्शल कलाकारों द्वारा विकसित कई साधना तकनीकों को युवा पीढ़ी के उधार लेने के लिए विस्तार से दर्ज किया गया था। निचले स्तर पर खेती की तकनीक अपेक्षाकृत निम्न श्रेणी की थी, इसलिए उन्हें उधार लिया जा सकता था और इच्छानुसार पढ़ा जा सकता था। शीर्ष स्तर की उच्च गुणवत्ता वाली खेती तकनीकों को कुलीन मार्शल कलाकारों द्वारा संरक्षित किया गया था, इस प्रकार सामान्य लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। ये जियो जिस क्षेत्र का प्रबंधन करता था, उसमें खेती की बुनियादी तकनीकें थी। पहले और दूसरे स्तर पर उनमें से बहुत सारे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से बहुत कम लोग तीसरे स्तर तक पहुंचे, जिससे उन्हें बहुत खाली समय मिला। हालांकि उस समय उनके दिमाग में तेज दर्द हुआ और एक हल्की सुनहरी रोशनी वाली एक किताब दिखाई दी। ये जियो मदद नहीं कर सका, लेकिन चौंक गया। अपने पिछले स्व की यादों के माध्यम से वह जल्दी से समझ गया कि वह क्या था। मैंने अपनी दिव्य आत्मा को जगा दिया है। जागरण काफी समय पर था। हालांकि ये जियो अत्यधिक उत्साहित नहीं थी। पहले से ही जीवन भर जीने के बाद उसने बहुत पहले ही जान लिया था कि सब कुछ एक पकड़ के साथ आता है। मार्शल आर्ट के अच्छे उपयोग के लिए बहुत अधिक आवश्यकता नहीं थी। जब तक कोई अपनी रक्षा कर सकता है, वह पर्याप्त होगा। उस दुनिया में कई मार्शल आर्टिस्ट थे। वह अपराजेय नहीं था। अगर वह एक मार्शल आर्टिस्ट होता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। चूंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, ये जियो ने अपनी दिव्य आत्मा के तंत्र का अध्ययन किया। अपने मन में अपनी दिव्य आत्मा से संवाद करके उन्होंने इसके पीछे के विवरण को आसानी से समझा। साधना तकनीकों को देखकर और फिर उन्हें दिव्य आत्मा की स्वर्ण पुस्तक में संग्रहित करके, स्वर्ण पुस्तक उन्हें स्वयं विकसित कर लेगी। संग्रहित की जा सकने वाली तकनीकों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। यदि आप एक ही प्रकार की साधना तकनीकों की खेती करते हैं, तो आप उस साधना तकनीक के उच्च ग्रेड को संश्लेषित कर सकते हैं और इसकी खेती करना जारी रख सकते हैं। हालांकि आप उसी मूल साधना तकनीक से प्राप्त खेती की तकनीकों को फिर से रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। यह बहुत शक्तिशाली लगता है। उनकी दिव्य आत्मा स्वयं साधना कर सकती थी। उसे केवल एक बार साधना तकनीक को पढ़ने की जरूरत थी और बाद की समस्याएं हल हो जाएंगी। यह ये जियो जैसे शांतचित व्यक्ति के लिए बहुत उपयुक्त था। ये जियो ने यह भी समझा कि उसी मूल साधना तकनीक से खेती की तकनीकों को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। कई साधना तकनीकें वास्तव में एक बुनियादी साधना तकनीक से प्राप्त विविधताएं थी।
पर्याप्त प्रतिभा वाले कुछ बेईमान मार्शल कलाकार एक बुनियादी साधना तकनीक खरीद सकते हैं और इससे प्राप्त होने वाली खेती तकनीकों से उच्च कॉपीराइट शुल्क अर्जित कर सकते हैं। यह उनके पिछले जीवन में पायरेटेड और साहित्यिक चोरी की खेती तकनीकों के समान था। अपनी दिव्य आत्मा की नींव को समझने के बाद ये जियो ने तुरंत बुकशेल्फ से साधना तकनीकों की खोज शुरू कर दी। उनकी पढ़ने की गति तेज थी और उनकी समझने की क्षमता मजबूत थी। इसके अलावा साधना तकनीक मोटे उपन्यासों के विपरीत थी। इसके बजाय कुछ साधना तकनीकों में केवल पैम्फलेट के कुछ पृष्ठ शामिल थे। जैसे ही सुबह हुई उसने कुल 25 साधना तकनीकों को पढ़ा था। दुर्भाग्य से उनकी दिव्य आत्मा की गोल्डन बुक में केवल 4 साधना तकनीकों को दर्ज किया गया था, जो कि 2 कृपाण तकनीक, 1 तलवार तकनीक और 1 स्ट्राइक मैनुअल थी। अन्य 21 पुस्तकें सभी साहित्यिक चोरी कर ली गईं। वास्तव में वे 4 पुस्तकें भी साहित्यिक चोरी के संस्करण थीं। हालांकि गोल्डन बुक एक ही प्रकार की एक बुनियादी खेती तकनीक से प्राप्त पहली खेती तकनीक को प्राथमिकता देगी और बुनियादी खेती तकनीक को उनके भीतर से निकालेगी। ये जियो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन थोड़ा असहाय महसूस कर रही थी। वे लोग भी बेशर्म थे। फिर उन्होंने गोल्डन बुक को देखा। साधना तकनीकों से भरे 4 पृष्ठ थे। इसके अलावा तल पर एक साधना प्रगति पट्टी थी जो नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से बढ़ रही थी, जिससे उनका मूड हल्का हो गया। वह यह भी महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में साधना धीरे धीरे बढ़ रही है। इतना खराब भी नहीं। इसे देखते हुए मैं बहुत जल्द दूसरे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट के रूप में आगे बढ़ने में सक्षम हो जाऊंगी। मार्शल कलाकारों के रैंकों को हॉटियन और जियांटियन में विभाजित किया गया था। हॉटियन क्षेत्र को 1-9 ग्रेड में विभाजित किया गया था। शियांशन क्षेत्र को भी 1-9 ग्रेड में विभाजित किया गया था। हालांकि हॉटियन क्षेत्र के लोगों को मार्शल कलाकार के रूप में जाना जाएगा। जियांटियन क्षेत्र में उन लोगों के लिए उन्हें हर 3 ग्रेड में उनकी उन्नति के अनुसार ग्रैंड मास्टर, ग्रेट ग्रैंड मास्टर और दैवीय ग्रैंड मास्टर कहा जाता था। ऐसा कहा गया था कि ग्रैंड मास्टर रैंक तक पहुंचना पहले से ही काफी आश्चर्यजनक था। जिस शहर में ये जियो स्थित था वहाँ मार्शल आर्ट अकादमी के प्रत्येक बैच से 100,000 से अधिक नए स्नातक थे और उन लोगों में से 10 के लिए दशकों या यहाँ तक करीब खेती करने के बाद जियांटियन क्षेत्र में कदम रखना सामान्य माना जाता था 100 साल तक। इस प्रकार ग्रैंड मास्टर रैंक को 10,000 मार्शल कलाकारों में से एक के पास कहा जा सकता है। इस प्रकार यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी कि ऊपरी रैंकों में खेती करना कितना कठिन था। तभी घड़ी में 12 बज गए। ये जियो ने अपना पठन बढ़ाया और समाप्त किया। लंच का समय हो गया था। कैंटीन में खाना खराब नहीं था। आखिर पुस्तकालय भी नगर निगम का कार्यालय ही था। खाने के लिए भी सब्सिडी थी। एक कटोरी बत्तख के खून सेवई सूप की कीमत केवल 5 युआन थी। यह बेहद सस्ता था। ये जियो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुरा दी। लगता है कि मैं अब से कुछ अच्छा खाना खाऊंगा। उसने खाने का ऑर्डर दिया और अपने साथियों की बातचीत को चुपचाप सुनते हुए उसका स्वाद चखने के लिए एक कोने में बैठ गया। इस तरह वह अपने आसपास की स्थिति के बारे में अधिक जानने में सक्षम था। कुछ ही दूरी पर एक मेज पर कुछ पुरुष सहकर्मी बड़बड़ाते हुए उनके भोजन को उठा रहे थे। डी एमेन, पुस्तकालय में काम वास्तव में मनुष्यों के लिए नहीं है। मुझे रसद विभाग को सौंपा गया है और मैं पूरी सुबह किताबें ले जा रहा हूँ। मैं इतना थक गया हूँ कि मैं अपनी पीठ सीधी भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये इतना बुरा नहीं है, कम से कम आप अभी भी ब्रेक ले सकते हैं। मैं तुमसे बहुत बुरी स्थिति में हूँ। मैं दरवाजे पर पहरा दे रहा था और मुझे एक भी ब्रेक नहीं दिया गया था। मुझे आधे दिन के लिए अपना पेशाब रोकना पड़ा था। सास, शिकायत करना बंद करो। यह सिर्फ हमारा भाग्य है क्योंकि हमने अपनी दिव्य आत्माओं को नहीं जगाया है। 10 साल से अधिक समय तक अभ्यास करने के बाद भी हम अभी भी प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार हैं। हम केवल इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हम कुछ और वर्षों के अभ्यास के बाद दूसरी कक्षा में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अभी भी सेना या एक भर्ती कंपनी में शामिल होने का मौका है। जब समय आएगा हम निश्चित रूप से एक आत्मा संघनक गोली प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हमारी दिव्य आत्मा को जगाने की अभी भी आशा है। आप द्वारा किस बारे में सोचा जा रहा है? 10 साल से अधिक के प्रशिक्षण के बाद भी आप अभी भी प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार हैं। यह कहना मुश्किल है कि क्या आप इस जीवन काल में दूसरी कक्षा में भी आगे बढ़ पाएंगे।
अगर आप ऐसा करते भी हैं, तो आप कम से कम 30 साल के होंगे। आप सिर्फ एक बूढ़े कुत्ते होंगे। कौन सी कंपनी आपको चाहेगी? अगर आपके पास ऐसे सपने हैं, तो बेहतर होगा कि आप कड़ी मेहनत करें। ये जियो ने अंदर से आह भरी। ऐसा लग रहा था कि मार्शल आर्ट की दुनिया में अपने लिए नाम कमाना उनके पिछले जीवन की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। उसने सोचा कि अगर वह ग्रैंड मास्टर बनने के लिए खेती करना चाहता है, तो इसमें कुछ साल लगेंगे। रहने भी दो, एक अच्छे से कुछ के रूप में कम बिछाने से काम नहीं चलेगा। जैसे ही उसके दिमाग में यह विचार आया, उसके शरीर के भीतर से एक पॉप ध्वनि निकली। एक पल में ये जियो ने महसूस किया कि उसकी ताकत तेजी से बढ़ गई है। इससे ये जियो का हाथ, जो सब जियो को अपने मुंह से पकड़े हुए था, अनजाने में रुक गया। वह विकसित। ये जियो ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे खाने में जितना समय लगा, वह वास्तव में एक उच्च ग्रेड तक पहुंच गया था। यह थोड़ा अटपटा लग रहा था। आखिरकार दूसरों को एक छोटे से क्षेत्र से आगे बढ़ने में कई साल लग सकते हैं। अजीब तरह से उसे केवल आधा दिन लगा। उन्होंने एक बार फिर अपनी दिव्य आत्मा के साथ संवाद किया और देखा कि पहले पृष्ठ पर मिंगलुओ कृपान तकनीक पहले ही पूर्णता के लिए विकसित हो चुकी थी। प्रगति पट्टी गायब हो गई थी और जिस पृष्ठ पर साधना तकनीक दर्ज थी वह सुनहरा हो गया था। इसका मतलब था कि अब से वह सिद्ध मिंगलुओ कृपान तकनीक का उपयोग कर सकता है। मिंगलुओ कृपान तकनीक का नाम था जिसे ये जियो ने पढ़ा था। हालांकि वास्तव में यह एक साधना तकनीक भी थी जो साहित्यिक चोरी का परिणाम थी। यह सबर ड्राइंग तकनीक से लिया गया था जो कि मूल कृपान तकनीकों में से एक थी। मुझे आश्चर्य है कि मिंगलुओ कृपान तकनीक कितनी शक्तिशाली है। जब सप्ताहांत आता है तो मुझे ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां कोई भी इसे आजमाने के लिए न हो। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने चेन फैमिली के कृपान वाले दूसरे पृष्ठ पर नजर डाली। उस कृपान तकनीक से 87% खेती की जा चुकी थी। तीसरे पृष्ठ में जेंटल ब्रीज स्पोर्ट्समैनशिप थी और चौथे पृष्ठ में टाई फैमिली की मुट्ठी थी कि दोनों को 80% तक खेती की गई थी। चेन परिवार के कृपान की उत्पत्ति क्लीविंग कृपान तकनीक थी। जेंटल ब्रीज स्पोर्ट्समैनशिप का मूल चॉपिंग स्वॉर्ड तकनीक थी। टाई फैमिली फिस्ट की उत्पत्ति स्ट्रेट फिस्ट स्ट्राइक तकनीक थी। उन बुनियादी साधना तकनीकों के लेखक शायद बहुत अधिक शिक्षित नहीं थे। उनके नाम बहुत सरल थे क्योंकि वे या तो उनके अपने नाम थे या उनके उपनाम। हालांकि वे साहित्यिक चोरी थे और साधना तकनीकों को अनुकूलित करते थे, तो वह क्या उम्मीद कर रहे थे? एक बार जब वे संश्लेषित हो गए तो ये जियो को उम्मीद थी कि उन्हें बेहतर नाम मिलेंगे। आखिरकार वह अभी भी एक युवा व्यक्ति था जो एक अधिक सुसंस्कृत नामकरण शैली के अभ्यस्त था। क्या उसे ऐसा माना जा सकता है जैसे वह उस दुनिया का एक जवान आदमी था? दोपहर का भोजन करने के बाद ये जियो अपने प्रबंधन क्षेत्र में लौट आया और फिर से पढ़ना शुरू किया। उसे आगे बढ़ने की कोई जल्दी नहीं थी। बात बस इतनी सी थी कि वह अपने पिछले जन्म में बहुत लंबे समय से बिस्तर पर बीमार थे। इस प्रकार उस जीवन में वह और अधिक उत्पादक बनना चाहता था। पलक झपकते ही एक दोपहर बीत गई। उस समय ये जियो ने 40 किताबें पढ़ी थी। दुर्भाग्य से केवल 5 साधना तकनीकें थी जो योग्य थी। उनमें से 3 कृपान तकनीकें थी, 2 तलवार तकनीकें थी और बाकी सभी एक ही मूल साधना तकनीक से थी। यह सिर्फ इतना था कि उन्होंने नाम और कुछ चालें बदल दी थी और यह एक नई साधना तकनीक बन गई जिसे गोल्डन बुक में दर्ज नहीं किया जा सका। ये जियो ने आह भरी। एक मार्शल कलाकार जिसने केवल साधना तकनीकों का अध्ययन किया था, वह वास्तव में बहुत निष्क्रिय था। यदि आपने एक साधना तकनीक लिखी है तो अन्य लोग तुरंत उसकी नकल करेंगे और उससे 100 अन्य साधना तकनीकों को अपना लेंगे। वे आपसे ज्यादा पैसा कमाएंगे और ज्यादा मशहूर हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह अवैध नहीं था, जो किसी को भी नाराज कर देगा। सौभाग्य से ये जियो का व्यक्तित्व अधिक निर्भीक था, इसलिए उसने साधना के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं किया। स्वाभाविक रूप से नाराज होने की कोई बात नहीं थी। जब वह इसे और नहीं ले सकता था तो वह अपने दिमाग को शांत करने के लिए इतिहास और भूगोल की किताबों की ओर रुख करता था। उस दुनिया का इतिहास उनके पिछले जीवन के समान था। राजवंश भी मेल खाते थे, लेकिन कुछ मतभेद थे। इतिहास में पहली विसंगति राजवंशों की थी। वे सभी अपने परिवारों को प्रतिनिधियों के रूप में इस्तेमाल करते थे और 9 प्रांतों को एकजुट करने के लिए चरम सीमा तक खेती करते थे। प्रत्येक राजवंश में हमेशा कुछ विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं जिन्होंने सामान्य लोगों को पार करने वाले स्तर तक खेती की।
जैसे 3 संप्रभु और 5 सम्राट। उनके अधिकारियों में भी मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ थे। अजीब तरह से वे लोग अंत में हमेशा गायब हो जाते थे। फिर वे नए परिवारों की बढ़ती विलक्षणताओं द्वारा निगल लिए जाएंगे और नए राजवंशों की स्थापना की जाएगी। विदेशों में भी ऐसा ही लग रहा था, इसलिए उस दुनिया की स्थिति उनके पिछले जीवन की आधुनिक स्थिति के समान थी। मूल रूप से इतिहास में हुई सभी घटनाएं थीं, लेकिन कुछ विशेष अंतर थे। उनके पिछले जीवन में कई प्रसिद्ध लोग उस दुनिया में बहुत शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट थे। इतिहास में कुछ सबसे क्रूर लड़ाइयों को मार्शल कलाकारों के बीच लड़ाई में बदल दिया गया हो सकता है। अन्य मामलों में उन्होंने तथाकथित विमान तोपों के बजाय अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए और स्टार बीस्ट के आक्रमण का विरोध करने के लिए हाथ मिलाया। ध्यान से सोचने के बाद समझ में आया, मनुष्यों द्वारा उच्चतम सीमा तक खेती करने के बाद वे आकाश में उड़ सकते थे और पृथ्वी में दब सकते थे। इसके अलावा वे पहाड़ों और नदियों को नियंत्रित कर सकते थे। उन्हें विमान तोपों की आवश्यकता क्यों होगी? तलवार का एक टुकड़ा 800 मील दूर एक दुश्मन को मारने में सक्षम है और 2 कौर चावल खाने के एक समय के भीतर 70 मील की दूरी तय की जा सकती है। इसके अलावा विमान के तोप आम तौर पर शीर्ष स्तरीय मार्शल कलाकारों की आध्यात्मिक ऊर्जा रक्षा को तोड़ने में असमर्थ थे। जहां तक जंतुओं का प्रश्न है, वे एक प्रकार के आत्मिक पशु थे जो तारों से आए थे। वे जंगली जानवरों से अलग थे। उनके पास मानव काश्तकारों के समान युद्ध की शक्ति थी, जिसे विशेष योग्यताएं कहा जा सकता है। कुछ शक्तिशाली सितारा जानवर किसी देश को आसानी से तबाह भी कर सकते हैं। हालांकि इतिहास में उन विलक्षणताओं की तरह जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, स्टार बीस्ट की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं की गई थी। ये जियो ने अनुमान लगाया कि जानकारी मुख्य रहस्यों से संबंधित हो सकती है। पुस्तकालय के उच्च अधिकारियों को ऐसी वर्गीकृत जानकारी वाली पुस्तकों को खोजने में सक्षम होना चाहिए। दुर्भाग्य से उच्च पद वाले ऐसे लोग नहीं थे जो स्वतंत्र रूप से ऐसी चीजें कर सकते थे। ऐसे वरिष्ठ भी थे जो प्रभारी थे। डिंग, उस समय घड़ी ने एक बार फिर से विराम के समय को इंगित करने के लिए घंटी बजाई। ये जियो ने अपनी किताब बंद की, अपने शरीर को फैलाया और फिर से खाने के लिए कैफेटेरिया की ओर भागा। वह चलते रहना चाहता था, लेकिन अगर वह नहीं खाता तो वह सचमुच भूखा मरता। .. वैसे ही ये जियो ने दिन ब दिन खाना खाया और किताबें पढ़ना जारी रखा। अपने प्रबंधन क्षेत्र, कैफेटेरिया और छात्रावास में वह कहीं भी पढ़ सकता था। लगभग आधे वर्ष के बाद उनकी साधना अंततः 9वीं कक्षा के मार्शल कलाकार के शिखर पर पहुंच गई। वह पौराणिक जियांटियन क्षेत्र में कदम रखने से बस एक पत्थर की दूरी पर था। उस समय वह एक ग्रैंडमास्टर बन जाएगा। कहा जाता था कि ग्रैंडमास्टर बनने के बाद वह अपनी अकादमी खोलने के योग्य हो जाएंगे। बेशक ग्रैंडमास्टर बनना केवल एक अकादमी खोलने के बारे में नहीं था, अन्य लाभ उतने ही थे जितने का आप नदी पार कर रहे थे। सीधे शब्दों में कहें तो उस दुनिया में ग्रैंडमास्टर बनने का मतलब था कि आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन गए हैं। भले ही वह ग्रैंडमास्टर रैंक तक नहीं पहुंचा था, फिर भी ये जियो जैसा अस्तित्व, जो 9वीं कक्षा का मार्शल आर्टिस्ट बन गया था, अभी भी एक बहुत ही उत्कृष्ट अस्तित्व था। कंपनियां, निजी परिवार और यहां तक सेना सभी उसे बहुत अधिक कीमत पर नौकरी पर रखेंगे। उस तरह का उपचार एक छोटे पुस्तकालय अध्यक्ष को मिलने वाले उपचार से बहुत दूर था। हालांकि ये जियो ने अपना पेशा नहीं बदला था। सबसे पहले उसे पैसा कमाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ईमानदारी से कहूं तो उन्हें पैसा पसंद नहीं था। जीवन और मृत्यु का अनुभव करने के बाद जब तक वह एक कोने में शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है, यह एक आशीर्वाद होगा। दूसरे, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद वह अपने दिल में जानता था कि बाहरी दुनिया बहुत खतरनाक है। यह पुस्तकालय में उनके दिनों की तरह आरामदायक होने से बहुत दूर था। हालांकि 9वीं कक्षा का मार्शल कलाकार पहले से ही बहुत अच्छा था, फिर भी उससे बेहतर कोई न कोई हमेशा था। अगर वह वास्तव में एक ग्रैंडमास्टर से मिले तो यह अंत होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि यदि अन्य लोग खेती करना चाहते हैं तो वे अपनी खेती बढ़ाने के लिए गोलियों और खेती के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जहां तक उसका प्रश्न था, उसे केवल पुस्तकें पढ़ने और साधना तकनीक को अपनी दिव्य आत्मा में दर्ज करने की आवश्यकता थी। तब वह स्वतः ही साधना और उन्नति कर सकता था। दिन के अंत में पुस्तकालय में रहना उनकी सबसे अच्छी पसंद थी। उस आधे साल में ये जियो पुस्तकालय में अपने कई सहयोगियों से परिचित हो गया था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका स्वभाव कोमल था, वह दूसरों के प्रति दयालु थे और वे बहुत सुंदर थे। वह असाधारण रूप से पसंद करने योग्य थे, खासकर उनकी महिला सहयोगियों के बीच। डिंग, घड़ी एक बार फिर बज उठी। इससे पहले कि ये जियो अपनी किताब बंद कर पाता, एक व्यक्ति नीचे से उछला। ओल्ड ये, खाने का समय हो गया है। चिल्लाने वाले व्यक्ति को बूढ़े कहा जाता था। वह थोड़ा मोटा था और ये जियो से कुछ सेंटीमीटर छोटा था। वह केवल 5-6 था। वह जियांगई शहर का एक स्थानीय युवक था और एक धनी परिवार से आया था। पुस्तकालय में उन्होंने जिस क्षेत्र का प्रबंधन किया वह दूसरी मंजिल पर एरिया बी था, इसलिए उन्हें अक्सर एरबी कहा जाता था। सौभाग्य से बूहाय एक हसमुख व्यक्ति था और उसने सभी के साथ बहस करने की जहमत नहीं उठाई। उन्हें अपने सहयोगियों के बीच एक खुशमिजाज व्यक्ति माना जा सकता है। मैं आ रहा हूँ, ये जियो ने जवाब दिया और सीढ़ियों की ओर चलने के लिए खड़ी हो गई। जैसे ही उसने बूहाय को देखा, उसने कुछ देखा। बूहाय आगे बढ़ चुका था। वह केवल एक हॉटियन द्वितीय श्रेणी के मार्शल कलाकार थे। अब वह पहले से ही एक हॉटियन तृतीय श्रेणी मार्शल कलाकार था और उसका स्तर एक से बढ़ गया था। बूहाय को कभी कमजोर नहीं माना गया। उन्होंने अपनी दिव्य आत्मा को लंबे समय तक जगाया था और उनकी योग्यता अभी भी स्वीकार्य थी। हालांकि उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि वह सेना में शामिल हो या स्टार बीस्ट का शिकार करने के लिए किसी कंपनी में शामिल हो। आखिरकार वह गु परिवार की एकमात्र आशा थी, इसलिए उन्होंने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल उसे पुस्तकालय में भेजने के लिए किया, एक प्रबंधक बनने के लिए। हालांकि ये जियो ने कुछ नहीं कहा क्योंकि केवल उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार ही निम्न स्तरीय मार्शल कलाकारों की आभा देख सकते थे। अगर वह कुछ कहते तो उसकी ताकत का पता चल जाता। पिछले आधे साल में ये जियो कभी भी किसी मार्शल कलाकार के निकट संपर्क में नहीं आया था। यहाँ तक जब निर्देशक एक नियमित बैठक करता था तो वह हमेशा कोने में रहता था, अपनी आभा को छिपाने की पूरी कोशिश करता था। ऐसा कहा जाता था कि ग्रैंड मास्टर रैंक तक पहुँचने पर व्यक्ति अपनी आभा को पूरी तरह छुपा सकता है। उनकी साधना से कोई नहीं देख सकता था। उस समय उसे खोजे जाने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे दोनों एक साथ कैफेटेरिया की ओर चल पड़े। बूहाय ने ये जियो को कोहनी मारने के लिए अपनी कोहनी का इस्तेमाल किया। और ये क्या तुमने सुना? जल्द ही जियांगई मार्शल आर्ट्स अकादमी में व्याख्यान देने के लिए एक बड़ा शॉट होने जा रहा है। मैंने सुना है कि वह जिंग मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रोफेसर हैं। मुझे दो छात्र आईडी मिलेंगे। जब समय आएगा हम एक साथ व्याख्यान में भाग लेंगे, है ना? जिंग मार्शल आर्ट्स अकादमी 9 प्रांतों में यह सबसे अच्छी मार्शल आर्ट अकादमी है ना? बेशक, जिंगडू मार्शल आर्ट्स अकादमी हमारे 9 प्रांतों का मुख्य केंद्र है। यह पूरे देश में नंबर 1 स्थान पर है। अगर हम उस प्रोफेसर के व्याख्यान को सुन सकें, तो निश्चित रूप से हमारी साधना में जबरदस्त वृद्धि होगी। जब समय आएगा तो आप कम से कम दूसरे दर्जे के मार्शल कलाकार के लिए आगे बढ़ेंगे। ये जियो को वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब तक वह एक बार साधना तकनीक को पढ़ लेता है, तब तक उसके शरीर में दिव्य आत्मा की स्वर्ण पुस्तक स्वतः ही उसे विकसित कर लेती है। उसे खेती करने के लिए बिल्कुल भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि वह पहले ही आधे साल के लिए स्थानांतरित हो चुका था। वह रोज सुबह 3:10 बजे लाइब्रेरी जाता था। अब तक वह पुस्तकालय के दरवाजे से बाहर नहीं निकला था। बाहर जाकर एक्सप्लोर करना भी अच्छा था। ठीक है, फिर यह तय हो गया है। मैं छात्र आईडी कार्ड प्राप्त करने का एक तरीका सोचूंगा। आपको इसके लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आज रात आप इसके बजाय मुझे रेड रोमेंस में एक पैर स्नान के लिए इलाज कर सकते हैं। ये जियो ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, यह कैसा रहेगा? मैं आपको रेड रोमेंस में एक सत्र में ले जाऊंगा, लेकिन आपको मुझे दूसरी मंजिल पर एरिया बी की चाबी देनी होगी। मैं आज रात कुछ किताबें पढ़ना चाहता हूँ। ये जियो निश्चित रूप से ऐसी जगह पर नहीं जाएगी। हालांकि उन्होंने मूल रूप से अपने ही क्षेत्र में किताबें पढ़ना समाप्त कर दिया था, वर्तमान में उन्होंने अभी भी उन्नत खेती को संश्लेषित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी खेती तकनीकों को इकट्ठा नहीं किया था। दूसरी ओर वह दिन में काम करता था और हर महीने कम से कम 8 की छुट्टी लेता था। वह किताबें पढ़ने के लिए अन्य क्षेत्रों में जा सकता था। अगर वह आज रात दूसरी मंजिल पर एरिया बी में जाकर देख सकता है तो उसे एक और फसल मिल सकती है। बूहाय की भौहें चढ़ गईं। ओल्ड ये, मुझे मत बताओ उस जगह में कुछ गड़बड़ है।
आप मेरे साथ रेड रोमांस में नहीं आना चाहते, इसके बजाय आप आधी रात को किताबें पढ़ना चाहते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है। क्यों नहीं, मैं आपको एक पुराने पारंपरिक डॉक्टर से मिलवाता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो अक्सर उसके पास जाता है और परिणाम बहुत अच्छे हैं। परिणाम अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अक्सर उनसे मिलने जाना पड़ता है। बुहाई ने महसूस किया कि उसकी आंख फड़क रही है और फिर उसने सोच समझकर कहा, ऐसा ही लगता है। लेकिन फिर मुझे यह न बताएं कि आपको वास्तव में इससे कोई समस्या है। मैं गोजी बेरी पीने के लिए पर्याप्त बूढ़ा नहीं हूँ। दूसरी ओर आप नहीं जानते कि आपकी जवानी कितनी कीमती है। सावधान रहें ताकि जब आप बड़े हों तो रोना बंद न करें। आखिरकार स्टील कितना भी कठोर क्यों न हो, यह समुद्री जल के क्षरण का विरोध नहीं कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। बुहाई ने अपनी छाती थपथपाई, उसका चेहरा आत्मविश्वास से भर गया। चिंता मत करो, मैं सिंथेटिक स्टील से बना हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह का समुद्री जल है, यह मेरी स्टील जैसी इच्छा शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता। ये जियो ने और कुछ नहीं कहा। पुरुषों का जिद्दी होना आम बात थी। जल्दी या बाद में एक समय आएगा जब वे नर्म हो जाएंगे। उसने अपना सिर हिलाया और अपने दिमाग में गंदे विचारों को बाहर निकाल दिया। उसने फिर से अपना मुंह खोला और कहा, बस मुझे बताओ कि तुम तैयार हो या नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। केवल एक मूर्ख ही इतना अच्छा काम करने को तैयार नहीं होगा। मैं अब तुम्हें अपनी चाबी दूंगा। मैं रात को दरवाजा बंद नहीं करूंगा। पढ़ना समाप्त करने के बाद ऐसा करने में मेरी मदद करना, याद रखें। समझा। ये जियो ने गुहाई से चाबी ली और उसे 400 युआन दिए। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद वह चिंतित था कि यह पर्याप्त नहीं हो सकता है और उसे एक भयानक इलाज मिलेगा, इसलिए उसने कुछ 100 युआन स्थानांतरित कर दिए। रात हो चुकी थी और पुस्तकालय बंद था। विशाल पुस्तकालय सन्नाटे और अंधेरे में डूबा हुआ था। ये जियो ने एरिया बी में प्रवेश किया और सीधे अंदर चला गया। उसने पढ़ने के लिए बुकशेल्फ से किताबें चुनना शुरू कर दिया। उसके पास ज्यादा समय नहीं था क्योंकि उसके पास केवल एक रात थी, इसलिए उसने पढ़ने के लिए विशेष रूप से कृपान की खेती की तकनीक को चुना। उन्होंने पहले से ही 6 बुनियादी कृपान खेती की तकनीक हासिल कर ली थी, जो कि गोल्डन बुक में सभी प्रकार की खेती तकनीकों में सबसे अधिक थी। यह वह प्रकार भी था जिसे एक मजबूत साधना तकनीक को शीघ्रता से संश्लेषित करने की सबसे अधिक आशा थी। ये जियो ने लाइट चालू नहीं की। हॉटियन 9वीं कक्षा में उनकी साधना के बाद उनकी शारीरिक इंद्रियों की तुलना एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में नहीं की जा सकती थी। उनकी रात्रि दृष्टि उन्हें अंधेरे में भी स्पष्ट रूप से किताबें पढ़ने की अनुमति दे सकती थी। उसने धीरे धीरे कृपान तकनीकों का ढेर फैलाया और उन्हें एक एक करके पढ़ा। पहला मिंग युओ कृपान तकनीक के समान मूल खेती तकनीक से था, जो कृपान चित्रण तकनीक थी। दूसरी पुस्तक में ली फैमिली की सेबर जैसी ही मूल साधना तकनीक थी, जो कृपान विभाजन तकनीक थी। उसने कुल 200 बुनियादी कृपान तकनीकों को पढ़ा था और उनमें से लगभग सभी की उत्पत्ति 6 बुनियादी कृपान तकनीकों के समान थी, जो ये जियो के पास थी। उस समय यह पहले से ही रात का दूसरा पहर था और चंद्रमा पहले से ही पश्चिमी क्षितिज पर लटका हुआ था। ये जियो ने एक लंबी आह भरी। साहित्यकारों का वह समूह बहुत दूर जा रहा था। उन्होंने कितनी बुनियादी साधना तकनीकों की चोरी की। वांग जिया डाओ, झांग जिया डाओ, उनके उपनाम बदलना, कुछ चाल बदलना, और यह एक नई साधना तकनीक बन गई। इसके अलावा कुछ अधिक बेशर्म तलवार तकनीकों को वास्तव में प्रथम श्रेणी की तलवार तकनीक, द्वितीय श्रेणी की तलवार तकनीक कहा जाता था। वास्तव में वे सभी एक ही मूल साधना तकनीक से थी। वहाँ कोई अन्य रास्ता नहीं था। ये जियो ने पहले ही अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था। अगर वह ऐसे ही चले जाते हैं तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। वह केवल एक आह भर सकता था और एक नई तकनीक की तलाश करने से पहले एक एक करके साधना तकनीकों को वापस रख सकता था। जब वह किताबें लौटा रहा था तो उसने अचानक देखा कि एक बुकशेल्फ के नीचे एक कोने में कृपान तकनीक की एक किताब थी। उसकी भौहें थोड़ी उठी, उसने कृपान तकनीक निकाली और उस पर से धूल हटाने के लिए सतह को थपथपाया। पफ पफ पफ, धूल धूसरित हो गई और कुछ बड़े शब्द उसकी आंखों के सामने प्रकट हुए। माँ की कृपान तकनीक, बिजली के लगातार 5 हमले, क्या एक दिखावटी कृपान तकनीक है। ये जियो ने अवाक महसूस किया। यह नाम इतने लंबे और अप्रिय तरीके से दिया गया था, हालांकि उन्होंने उस साधना तकनीक को पहले कभी नहीं देखा था।
वह नहीं जानता था कि क्या यह एक नई बुनियादी कृपाण तकनीक थी। उसने पहला पन्ना खोला और चौंकाने वाला, यह सब वही लिखा था। यह एक पीढ़ी के ग्रैंड मास्टर की उत्कृष्ट कृति थी, कृपाण तकनीकों के शिखर को एक में मिलाना, बदलना और संघनित करना। नोट्स के कुछ वाक्यों के बाद यह मुख्य पाठ था। ये जियो ने मुख्य पाठ को देखा और यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके शरीर में दिव्य आत्मा की स्वर्ण पुस्तक वास्तव में इसे शामिल करेगी। ये जियो का चेहरा खिल उठा। यह वास्तव में एक स्वतंत्र बुनियादी कृपाण तकनीक थी। वह तुरंत गंभीरता से पढ़ने लगा। एक घंटे बाद गोल्डन बुक के 7 पृष्ठ, जिसमें 7 बुनियादी कृपाण तकनीकों को दर्ज किया गया था, झिलमिलाते हुए सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया। ये जियो, जो हमेशा शांत रहता था, वास्तव में उस समय थोड़ा उत्साहित था। यह हो चुका है। साधना तकनीक का संश्लेषण इसकी नींव पर एक निश्चित स्तर तक पहुंचने पर निर्भर करता है। तकनीक के भीतर चालों का संयोजन तब एक चाल में जोड़ा जाएगा, एक एकल अधिक शक्तिशाली चाल में आगे बढ़ना। ये जियो जिन 7 कृपाण तकनीकों का अभ्यास कर रहा था, उन्हें 7 बुनियादी चालों में विभाजित किया गया था, जो उन्हें एक में मिलाने के लिए पर्याप्त थी। कृपाण तकनीक के संश्लेषण के लिए आत्मा के संचलन की आवश्यकता होती है। पुस्तकालय में दूसरों के द्वारा खोजे जाने से बचना मुश्किल है। ये जियो ने खिड़की के बाहर अपनी निगाह डालने से पहले एक पल के लिए सोचा। उस समय आकाश अभी चमकना बाकी था और पूरा जियांगई शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। अगर मुझे ठीक से याद है तो इस पुस्तकालय के पीछे एक नदी होनी चाहिए और यह बहुत कम आबादी वाला है। मेरे लिए काम करने के लिए अभी भी जल्दी है, इसलिए मैं भी कर सकता हूँ। ये जियो ने दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की से नीचे कूद गया और पुस्तकालय से निकल गया। उस दुनिया में आने के बाद ये पहली बार ये जियो ने पुस्तकालय छोड़ा था। गली बहुत खाली थी। दूरी में स्ट्रीट लाइट के नीचे सफाई करने वाला एक सफाई कर्मी ही था। ऐसा लग रहा था कि वह चू प्रांत में शाओलिन मार्शल आर्ट अकादमी से एक तरह की व्यापक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। ये जियो ने इसके बारे में एक किताब में पढ़ा था। यह एक बुनियादी स्टाफ तकनीक का एक रूपांतर था। एक ठंडी हवा चली जिससे उसे हल्की ठंड का एहसास हुआ। इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, साधना तकनीक सक्रिय हो गई और आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में फैल गई, जिससे वह तुरंत ठंड से बच गया। ये जियो जिस इंटरनल स्ट्रेंथ हॉट तकनीक का अभ्यास कर रहा था, उसमें 2 बुनियादी हृदय तकनीकें थी। एक को हृदय पोषक सूत्र कहा गया और दूसरे को आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषण कला कहा गया। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति कम थी, लेकिन बहुत सारे साहित्यिक संस्करण थे। थोड़े समय में वह एक उच्च श्रेणी की हृदय तकनीक में अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त रूप से इकट्ठा करने में असमर्थ था। उसने सांस छोड़ी और अपने पैरों की एक हल्की सी हलचल के साथ उसका शरीर नदी के किनारे की ओर दौड़ने लगा। ये जियो की गति धीमी नहीं मानी जाती थी। वह शायद 80 गज की दूरी पर कार की गति तक पहुंच सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके चलने की तकनीक बिल्कुल सामान्य थी। यदि वह इसे एक उच्च श्रेणी की गति तकनीक में संश्लेषित कर सकता है, तो वह एक ही चरण में 1 मील या 10 मील की दूरी तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है। उसके आसपास का नजारा तेजी से बदला। ये जियो को नदी के किनारे पहुंचने में देर नहीं लगी, जो कि पुस्तकालय से कुछ मील की दूरी पर था। नदी के किनारे का पानी अशांत था और नदी के दोनों किनारों पर खरपतवार उगाए थे। एक आधुनिक शहर की तुलना में यह एक असाधारण रूप से अलग दृश्य था। नदी लगभग 700 फीट चौड़ी थी। इसे बड़ा नहीं माना जाता था, लेकिन यह सिर्फ एक सहायक नदी थी। यह कहना अधिक उचित होगा कि यह एक बड़ी धारा थी। फिर भी ये जियो की पतली आकृति उससे पहले की चींटी से अलग नहीं थी। नदी के उस पार जियांगई शहर में सबसे बड़ी मार्शल आर्ट अकादमी थी, जो ये जियो की अल्मा मैटर भी थी। इसके अलावा और कोई इमारत नहीं थी, इसलिए कोई उसे नोटिस नहीं करता था। ये जियो अपने विचारों को सुझाने के लिए एक उथले समुद्र तट पर रुक गया और कृपाण तकनीकों का पहला सेट करने लगा। कृपाण तकनीकों को संश्लेषित करने की विधि को क्रम में विकसित करने के लिए 7 बुनियादी कृपाण तकनीकों की आवश्यकता होती है। जैसे ही ये जियो ने कृपाण तकनीकों का प्रदर्शन किया, आध्यात्मिक ऊर्जा से संघनित एक अदृश्य लंबी कृपाण उसके हाथ में दिखाई दी। मार्शल कलाकार, जिनकी खेती 7वीं और उससे अधिक की कक्षा तक पहुंच चुकी थी, अपनी रक्षा या हमले के हथियार बनाने के लिए थोड़ी दूरी पर आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ सकते थे। यह कहा गया था कि जब किसी की साधना जियांटियन क्षेत्र में उन्नत हो गई थी, तो व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा को मुक्त करने की विधि को पूरी तरह से प्राप्त कर सकता था।
एक आकस्मिक चाल के साथ कोई सैकड़ों फीट दूर से हमला कर सकता था। ये जियो की तकनीक की गति धीरे धीरे बढ़ती गई। उनके शरीर ने भी स्वर्ण प्रकाश की एक किरण उत्सर्जित की जो उन्हें इस तरह प्रकाशित कर रही थी जैसे कि वह एक ईश्वर थे जो नश्वर दुनिया में उतरे थे। कई मच्छर प्रकाश की ओर आकर्षित हुए और एक के बाद एक भिनभिनाने लगे। हालांकि जब वे ये जियो के 10 मीटर के दायरे में थे तो वे तुरंत खड्डों में बिखर गए और जमीन पर गिर गए। जमीन पर मच्छरों की लाशों का एक छोटा सा ढेर बन गया। उस समय ये जियो के शरीर के 10 मीटर के भीतर का क्षेत्र पूरी तरह से अनगिनत प्रकाश ब्लेड से ढका हुआ था जो एक चमकदार कृपाण डोमेन बना रहा था। उसी समय ये जियो के शरीर के भीतर गोल्डन बुक में 7 पृष्ठों पर 7 बड़े शब्द छपे थे जिन पर मूल कृपाण तकनीक छपी थी। वे साधना तकनीक के प्रत्येक पृष्ठ की विशेषताओं के अनुसार उभरे। खींचना, घुमाए, स्लैश, काटना, टूटना, झाड़ू लगा दो, नष्ट करना। हर बार जब ये जियो ने एक बुनियादी कृपाण तकनीक का अभ्यास समाप्त किया तो उस पृष्ठ पर एक बड़ा शब्द बनेगा जिस पर तकनीक लिखी गई थी। जिस क्षण अंतिम शब्द बना, 7 पृष्ठ तुरंत एक में जुड़ गए जिससे एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली और दुर्जेय साधना तकनीक का निर्माण हुआ। कृपाण पर हावी बूम, गोल्डन बुक ने एक कपकपी का उत्सर्जन किया और फिर और भी अधिक जोर से कांपना शुरू कर दिया जैसे कि एक बड़ी मशीन सक्रिय हो गई हो। ये जीव स्पष्ट रूप से होने वाले बदलाव को महसूस कर सकती थी। पहले उनकी साधना तकनीक की गति पतली पानी के पाइप से बहने वाले पानी की तरह थी, लेकिन उस समय यह एक उच्च दबाव वाली पानी की तोप की तरह थी जो पहले से ही एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी जहां यह लोगों को मार सकती थी। साधना तकनीक के प्रचलन के कारण उनकी दो बुनियादी मानसिक साधना तकनीकें भी तेजी से बदल रही थी। उस समय ये जियो की साधना की अर्चन जिसे उसने लंबे समय से ढीला नहीं किया था आखिरकार टूट गई थी और वह जियांटियन क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंच गया था। संप्रदाय में प्रवेश, मैंने संप्रदाय में प्रवेश किया है। ये जियो का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह एक अचूक व्यक्ति था और इसके माध्यम से लेकिन इतनी बड़ी वृद्धि और मनोदशा का थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी नहीं होना असंभव था। उसे अभी तक एक मूर्ख के स्तर तक खेती नहीं करनी थी। उस पल ये जियो को लगा कि वह अब चींटी नहीं रहा। हालांकि उसके शरीर का आकार नहीं बदला था लेकिन उसकी धारणा 100 मीटर से अधिक दूर हो चुकी थी। वह एहसास ऐसा था कि जब आपकी इंद्रियां बड़ी, आपकी दृष्टि, श्रवण, मीलों दूर की चीजों को देखने के लिए उसकी सभी इंद्रियां उठी, साथ ही उनकी आध्यात्मिक शक्ति भी अत्यंत शक्तिशाली हो गई थी। मैंने सुना है कि एक ग्रैंड मास्टर की उम्र कुछ दशकों या 100 साल तक बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं है। उत्साहित महसूस करते हुए ये जियो ने बाएं और दाएं देखा। यह देखकर कि आसपास कोई नहीं है, उसके हृदय में युद्ध की तीव्र इच्छा प्रज्वलित हो उठी। उसने अपने सामने नदी की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी सारी शक्ति के साथ अपने शरीर में सभी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया और प्रबल कृपाण का प्रदर्शन किया। कृपाण की सुनहरी रोशनी अचानक उसके हाथ से फैल गई और आकाश में उठ गई। पलक झपकते ही यह 1000 फीट से अधिक बढ़ गया, सीधे अंधेरे आकाश से कटकर नदी को रोशन कर रहा था। फिर ये जियो का कृपाण नदी पर उतरा। सुनहरी रोशनी की एक चमक के साथ अगले ही पल एक कान चकनाचूर करने वाला धमाका सुना गया। बूम, पूरी नदी तुरंत अलग हो गई। नदी का पानी जो 700 फीट से अधिक चौड़ा और 70 फीट गहरा था, ये जियो के कृपाण द्वारा जबरदस्ती खोल दिया गया था। कट कुछ मीटर चौड़ा था और सीधे नदी के तल में चला गया। यहाँ तक नदी के तल में कई फीट गहरी मिट्टी भी खाली रह गई थी। आधा मील लंबा एक स्लैश नदी के किनारे से दूसरी तरफ फैला हुआ था। FCK, उस चौंकाने वाले दृश्य ने ये जियो को एक शाप देने पर मजबूर कर दिया। क्या यह शक्ति कुछ अधिक नहीं थी? यहाँ तक मार्शल आर्ट के उपन्यासों में भी इस तरह की चाल लिखने की हिम्मत नहीं हुई। यह नदी को काटने के लिए चाकू का उपयोग करने जैसा था। यह बहुत डरावना था। कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया मार्शल कलाकारों का सम्मान करती है। वह शक्ति आधुनिक तकनीक की शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इसे इच्छानुसार निकाला जा सकता था। आधुनिक तकनीक को इसे बनाने के लिए सभी प्रकार की सामग्रियों और कारकों की संयुक्त आवश्यकता थी। जितनी बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता था वह सीमित था। उदाहरण के लिए केवल एक बम था और एक बार फटने के बाद वह चला जाएगा। अचानक ये जियो की तेज धारणा ने महसूस किया कि कुछ शक्तिशाली ताकतें भाग रही हैं। मुझे खोजा गया है।
उसकी भौहें उठी और उसने अपना पैर थपथपाया। वह तुरंत एक काली छाया में बदल गया और दूसरी दिशा में चला गया। जियांटियन क्षेत्र में उसकी साधना के उन्नत होने के बाद उसकी गति पहले की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक तेज थी। इसका मतलब था कि उसकी गति लगभग एक पारिवारिक कार की सीमा के बराबर थी। एक ग्रैंड मास्टर बनने के बाद न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा जारी की जा सकती है, बल्कि व्यक्ति अपने शरीर में सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को छुपा सकता है और अपनी खुद की आभा का थोड़ा सा भी प्रकट नहीं कर सकता है। नतीजतन एक को दूसरों द्वारा खोजा नहीं जाएगा। जैसे ही ये जियो आगे बढ़ी, अलग अलग दिशाओं से कुछ आकृतियां चमक उठी। एक बूढ़ी औरत, एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक बूढ़ा आदमी एक तंग सूट में एक युवा लड़की को ले जा रहा है। वे चारों जब नदी के किनारे पहुंचे तो उनकी आंखें नम हो गईं। क्या एक शक्तिशाली कृपाण तकनीक है। भले ही नदी का पानी फिर से बहने लगा था, फिर भी हर कोई देख सकता था कि कृपाण तकनीक कितनी भयानक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह आधे मील से ज्यादा फैल चुका था। नदी के पानी से ढके 600 फीट के अलावा नदी के किनारे जमीन पर सैकड़ों फीट से अधिक कृपाण के निशान थे। अभी कुछ क्षण पहले पूर्वी क्षितिज से प्रकाश की एक सफेद किरण उठी थी। वह नाला नदी के पानी से नष्ट हो गया था और जमीन काली हो गई थी। ओल्डकिन, यह किसने किया? सबसे पहले पूछने वाली बुढ़िया थी। लड़की को ले जा रहे बूढ़े ने सिर हिलाया और फूट फूट कर मुस्कुराया। मैं भी नहीं जानता। मैं युयान को सुबह की ट्रेनिंग के लिए अकेडमी के मार्शल आर्ट फील्ड में ले आया। जब मैंने कुछ हरकत देखी तो मैं तुरंत दौड़ पड़ा। जिसके बारे में बोलते हुए तुम दोनों मुझसे भी तेज थे। बुढ़िया ने अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा, जिसने भी अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैं भी नहीं जानता। हालांकि मुझे यकीन है कि जो कोई भी था वह बहुत मजबूत है। वह हम तीनों से भी ज्यादा ताकतवर है। मैं उसकी खेती के स्तर को नहीं जानता, लेकिन मैं हवा में सुस्त कृपाण इरादे और जमीन पर कृपाण के निशान से बता सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि एक जियांटियन द्वितीय श्रेणी के मार्शल कलाकार के रूप में अपनी ताकत के साथ मैं उसे हरा नहीं सकता। हालांकि मैं तीसरी कक्षा में आगे बढ़ने वाला हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह समय आने पर मैं उससे लड़ पाऊंगा। बूढ़ी औरत मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन आहें भर सकती थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे जियांगई शहर में ऐसी शक्तिशाली कृपाण तकनीक वाला कोई है। यह अफसोस की बात है कि मुझे नहीं पता कि वे कौन है। उद्धरण चिन्ह। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन है, आपको और मुझे सतर्क रहना होगा। अगर इतना शक्तिशाली ग्रैंड मास्टर जियांगई शहर को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। यह सुनकर बुढ़िया और बुढ़िया के हाव भाव गंभीर हो गए। खामोश युवती का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि उस स्लैश का मालिक कितना भयानक था। उससे डरने वाले 3 लोग जियांगई शहर के सबसे मजबूत ग्रैंड मास्टर थे। नानागोंग लिंग, 100 साल के लिए जियांगई शहर की निर्विवाद प्रतिभा। जियांगई लाइब्रेरी की निदेशक ओयंग झोग्युन को शहर की नंबर 1 महिला मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता था। अंत में जियांगई शहर में नंबर 1 मार्शल कलाकार, जियांगई मार्शल आर्ट्स अकादमी के निदेशक और उनके दादा किन शेंगलो, उनमें से 3 जियांगई शहर की मार्शल आर्ट के शिखर का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि वह रहस्यमयी व्यक्ति ही इन उल्लेखनीय लोगों को उससे डराने के लिए पर्याप्त था। वह कौन था? उस समय ये जियो पहले ही पुस्तकालय में लौट आया था। रास्ते में उन्होंने संक्षेप में बताया था कि क्या हुआ था। उसके लगभग पकड़े जाने का मुख्य कारण वह स्लैश था जो पहले था। पहला कारण यह था कि वह बहुत उतावला था। उसने अपनी कृपाण तकनीक की शक्ति को जाने बिना लापरवाही से हमला किया था और दूसरों का ध्यान आकर्षित किया था। सौभाग्य से वह समय पर पीछे हटने में कामयाब रहा, इस प्रकार दूसरों द्वारा खोजे जाने के खतरे से बचा। पहले वे कुछ प्रभामंडल कमजोर नहीं लगते थे। इसके अलावा वह सिर्फ जियांगई शहर के मार्शल कलाकारों की ताकत थी। पूरे झोंग प्रांत में कितने मार्शल कलाकार थे? 9 प्रांतों में कितने मार्शल कलाकार थे? पूरी दुनिया के बारे में क्या? किसी को यह जानना था कि जियांगई शहर से हर साल स्नातक करने वाले हजारों लोगों के भीतर कुछ ग्रैंड मास्टर हर कुछ दशकों में केवल एक बार ही दिखाई दे सकते हैं। इसलिए उन्हें भविष्य में लो प्रोफाइल रखना पड़ा। यह निर्णय लिया गया कि वह पुस्तकालय में सुरक्षित रूप से विकसित होगा और अपनी साधना को कभी प्रकट नहीं करेगा। दूसरी कृपाण तकनीक की शक्ति थी। वास्तव में यह उनकी अपनी साधना का स्तर नहीं था, बल्कि स्वयं संश्लेषित तकनीक का स्तर बहुत अधिक था।
उस दुनिया में साधना तकनीकों के ग्रेड मूल साधना तकनीक, असाधारण साधना तकनीक और ग्रैंड मास्टर साधना तकनीक थे। खेती की तकनीक के ग्रेड के अनुसार उत्पादित आक्रमण शक्ति का प्रवर्धन भी भिन्न था। ये जियो की समझ के आधार पर ऐसा लग रहा था कि एक ग्रैंड मास्टर खेती तकनीक में 100% बिजली वृद्धि हुई थी, जो कि मूल से भी दोगुनी थी। हालांकि पहले वह /दोगुना नहीं हुआ था, इसलिए ये जियो को यकीन नहीं था कि उसकी कृपान तकनीक किस ग्रेड की थी, और उसकी खुद की साधना दिव्य आत्मा की गोल्डन बुक का ग्रेड भी प्रदर्शित नहीं किया गया था। उसकी खेती वास्तव में उलझी हुई थी। भविष्य में उसे इन चीजों का पता लगाने का अवसर खोजना चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु खेती की तकनीक का उपभोग था। पिछली चाल से खेती की तकनीक की खपत अल्प से बहुत दूर थी। उनके शरीर की 2% आध्यात्मिक शक्ति क्षण भर में ही नष्ट हो गई थी। इसका मतलब था कि कुछ दर्जन प्रहारों के बाद उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यद्यपि उनकी साधना तकनीक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित और पुनः प्राप्त कर सकती थी, उसके पास केवल 2 बुनियादी साधना तकनीकें थी, इसलिए अवशोषण की गति बहुत धीमी थी। ऐसा लग रहा था कि उसका अगला कदम उस स्थायी समस्या को हल करने के लिए मुख्य रूप से मानसिक साधना तकनीकों का अभ्यास करना होना चाहिए। यह सब सोचने के बाद ये जियो ने पुस्तकालय में प्रवेश किया और कुछ छोटे पकौड़े और एक कटोरी बीन जूस खाने की तैयारी की। उनकी साधना में वृद्धि ने उन्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए कुछ दिनों के लिए भोजन और आराम करने की अनुमति दी। उसने अभी फोन काट दिया था जब दूसरे ने उसे फिर से बुलाया। हालांकि एक खाने के शौकीन के रूप में उसकी अपनी निचली रेखा होनी चाहिए, सो जाना चाहिए, खाना तो खाना ही था। फिर जैसे ही उसने लाइब्रेरी में कदम रखा, उसका फोन बज उठा। ये जियो ने अपना फोन निकाला और उसकी तरफ देखा। स्क्रीन ने जियांगवेई सिटी गैरिसन को दिखाया। उन्होंने शहर की सुरक्षा को बनाए रखा। हालांकि उसने कोई अपराध नहीं किया था, तो वे उसे इतनी सुबह क्यों बुलाते? यह शायद एक घोटाला था, है ना? ये जियो ने निर्णायक रूप से फोन काट दिया। आखिरकार उनके बैंक खाते में अभी भी 12,000 युआन थे। उसने आधा साल का वेतन बचा लिया था। ये जियो की भौहें थोड़ी उठ गईं और उनके पास फोन उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। बहुत जल्द फोन के दूसरे छोर से एक गहरी पुरुष आवाज आई। आपका बेटा हमारे हाथ में है, यदि आप नहीं। ये जियो ने ठंड से मुस्कुराया। यह वास्तव में एक घोटाला था। दूसरे के बोलने का इंतजार किए बिना उसने तीखा जवाब दिया। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं बहुत गरीब हूँ। नहीं, तुम्हारा बेटा हमारे हाथ में है, तो उसे दफना दो। इतना कहने के बाद ये जियो ने तुरंत फोन काट दिया। इसके बावजूद दूसरा कुछ हद तक दृढ़ लग रहा था। फोन काट देने के बाद भी उन्होंने उसे दोबारा फोन किया। तुम्हें क्या हुआ? आपका बेटा हमारे हाथ में है, तुम मुझसे पैसे के बारे में क्यों बात कर रहे हो? क्या तुमने मुझसे पैसे मांगने के लिए फोन नहीं किया? किसने कहा कि हमें पैसा चाहिए? आपके बेटे ने अपराध किया और पकड़ा गया। जल्दी करो और उसे लेने आओ। मेरा कोई बेटा नहीं है। क्या गुहाई तुम्हारा बेटा नहीं है? ... दूसरे की आवाज फिर से बजने से पहले वह 2 सेकंड के लिए चुप हो गया। हमारी गैरिसन टीम ने कल रात एक निरीक्षण अभियान चलाया और पाया कि आपका बेटा रेड रोमेंस में था। उसने एक रेड रोमेंस कर्मचारी के प्रति अनुचित व्यवहार किया। कृपया आओ और उसे इकट्ठा करो। ... वह तुरंत उत्तर देने से पहले 2 सेकंड के लिए फिर से चुप हो गया। मैं समझता हूँ, इतना कहकर उसने फोन काट दिया। वह पूरी तरह से अवाक था। उसे लगा कि कोई उससे ठगने की कोशिश कर रहा है। अंत में उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे वास्तव में उसकी तलाश कर रहे थे। और भी अप्रत्याशित बात यह थी कि रेड रोमेंस में गुहाई को गलत तरीके से पकड़ा गया था। उन्होंने यहाँ तक उन्हें बताया कि वह उनके पिता हैं। जीवन में बहुत सी अप्रत्याशित चीजें थी। अगर वह सावधान नहीं होता तो वह अपने से बड़ा बेटा पैदा कर लेता। सर, उसने कहा कि वह एक नजर रखना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे दिखाया। मैंने उसे कोई पैसा नहीं दिया, तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, है ना? आपका मामला एक अवैध लेन देन के बारे में नहीं था। वह आपको धोखाधड़ी के लिए रिपोर्ट कर रही है। शोर शराबे वाली गैरिसन में ये जियो ने गुहाई को पाया। वह शर्टलेस था और उसने अपना बायां जूता खो दिया था। उसकी आंखें लाल थीं और वह शायद पूरी रात सोया नहीं था।
तुम कह रहे हो कि तुम उसके पिता हो। गैरिसन सदस्य, जो गू हाई से निपटने का प्रभारी था, ने ये जियो को उसके चेहरे पर संदेह भरी नजरों से देखा। ये जियो ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। मुझे आशा है कि आप मेरे बेटे को अच्छी तरह से शिक्षित नहीं होने के लिए क्षमा कर सकते हैं। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा, भले ही तुम कहो कि तुम उसके भाई हो। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम उसके पिता हो? ये जियो एक पल के लिए चुप थी। इस बात का फायदा उठाकर कि कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उसने दूसरे की जेब में लाल कागज का एक रोल भर दिया। दूसरे पक्ष ने हल्के से खांसते हुए तुरंत कहा, अहम। ओह, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह अभी भी युवा है और यह उसका पहला अपराध है, मैं उसे केवल एक मौखिक व्याख्यान दूंगा। भविष्य में अपने बेटे को नियंत्रण में रखना और उसे उन जगहों पर न जाने देना जहां उसे नहीं जाना चाहिए। हाँ, धन्यवाद मिस्टर लू। ठीक है, जाओ। ये जियो ने सिर हिलाया और गू हाई को गैरिसन से बाहर ले गया। सौभाग्य से उसे पहले ही सूचित कर दिया गया था, इसलिए उसने गू हाई को बदलने के लिए कपड़े का एक सेट दिया। गू हाई के कपड़े पहनने के बाद ही वह आखिरकार जिंदा हो गया। उसके थके हुए चेहरे ने फिर से उसकी सिग्नेचर सस्ती मुस्कान का खुलासा किया। और यह सब आपके लिए धन्यवाद था कि मैंने इसे बनाया। यदि आपने मेरे पिता का प्रतिरूपण नहीं किया होता तो मैं निश्चित रूप से मर जाता। ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारे जैसा बेकार बेटा नहीं चाहिए। इस बार आपको बचाने के लिए मैंने कुल 3,000 युआन खर्च किए और 50 युआन के लिए एक कैब ली। मैं तुम्हें मेरी प्रतिपूर्ति करवा दूंगा। कोई बात नहीं, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं इसे चार्ज करूंगा। जब मैं इसे चालू करूंगा तो मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ये जियो ने सिर हिलाया। वे दोनों गैरिसन के हॉल से बाहर चले गए। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, गू हाई एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से टकरा गया, जिसे हिरासत में लिया जा रहा था। क्षमा क्षमा, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। गू हाई हंसा। गार्ड द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले दूसरे पक्ष ने उसे केवल एक ठंडी नजर दी। गू हाई ने अपना सिर खुजलाया और भौहें चढ़ा दी। कितना भयंकर रूप है, मैं केवल उससे टकरा गया। उद्धरण चिन्ह। ये जियो ने उस आकृति को ध्यान से देखा। जब उसकी साधना जियांटियम क्षेत्र में उन्नत हो गई थी तो उसकी धारणा स्वाभाविक रूप से एक सामान्य व्यक्ति की धारणा से बहुत आगे निकल गई थी। इससे पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शरीर से एक अजीब उतार चढ़ाव महसूस किया था। यह एक गैर मानवीय उतार चढ़ाव था। हालांकि यह जीवन शक्ति और रक्त से भी भरा था, लेकिन इसमें खून के प्यासे हत्या के इरादे का निशान था। उसने इसे बहुत अच्छी तरह छुपाया था और थोड़ा ही प्रकट किया था। उसके आसपास के लोगों को इसका आभास नहीं था, लेकिन उसे हो गया था। फिर भी वह निश्चित नहीं था कि यह किस प्रकार का उतार चढ़ाव था। और ये क्या गलत है? तुम उसे क्यों देखते रहते हो? यह कुछ भी नहीं है। चलिए वापस चलते हैं, काम का लगभग समय हो गया है। उन दोनों ने एक कैब ली और जल्दी से लाइब्रेरी में लौट आए, बस समय पर काम करने के लिए। हालांकि आज पहली बार निर्देशक ने वास्तव में एक बड़ी बैठक की। उसने पुस्तकालय के सभी कर्मचारियों को कम प्रोफाइल रखने और काम के दौरान पुस्तकालय में प्रवेश करने वाले मार्शल कलाकारों पर अपना आपा खोने से बचने के लिए सूचित किया, अन्यथा उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। उनका भाषण अपेक्षाकृत अनौपचारिक था, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों पर बहुत जोर दिया। इससे साफ है कि वह इस मामले को लेकर काफी गंभीर थी। ये जियो ने बुरा नहीं माना। बहुत कम मार्शल कलाकार थे जो तीसरे स्तर तक गए। इतना ही नहीं, उनका स्वभाव कोमल था। यहाँ तक अगर कोई वास्तव में वहाँ गया भी तो वह किसी को नाराज नहीं करेगा। निर्देशक एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत थी। ये जियो ने उसे कुछ समय पहले दूर से देखा था। अतीत में उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उसने केवल महसूस किया कि उसका चेहरा सुर्ख था और उसका खून जोरदार था। हालांकि अब जब उसकी साधना आगे बढ़ चुकी थी, उसने महसूस किया कि निर्देशक वास्तव में एक ग्रैंड मास्टर रैंक मार्शल कलाकार था। हालांकि इससे उन्हें ज्यादा झटका नहीं लगा। पुस्तकालय शहर की नींव था। यदि निर्देशक के पास पर्याप्त ताकत नहीं होती तो उसके लिए उसकी रक्षा करना मुश्किल होता। ऐसा लग रहा था कि निर्देशक ने उसकी निगाहों पर ध्यान दिया और अपना सिर थोड़ा घुमा लिया। उसने उसकी दिशा में देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य का एक संकेत दिखाई दिया। क्या उसका स्वभाव हमेशा से ऐसा ही रहा है?
वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन हैरान महसूस कर रही थी। निर्देशक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि पुस्तकालय में ये जियो जैसा एक सुंदर कर्मचारी है। ऐसा कहा जाता था कि वह अपने सहयोगियों के बीच भी लोकप्रिय थे क्योंकि वे उन्हें उस राजसी पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में संदर्भित करते थे। हालांकि अतीत में ये जियो सिर्फ एक सुंदर चेहरा था, आज ये जियो का स्वभाव असाधारण रूप से उत्कृष्ट था। उसने कुछ और नजरें गड़ा दी और कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा, इसलिए उसने देखना बंद कर दिया और बैठक जारी रखी। ये जियो ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ लिया। वह निर्देशक, जैसा कि एक ग्रैंड मास्टर की अपेक्षा थी, उसने वास्तव में देखा कि वह पहले से अलग था। शुक्र है वह अपनी आभा को नियंत्रित करने में सक्षम था। निर्देशक ने खुद को पूरी तरह से छुपाया नहीं था, इसलिए उसके द्वारा उसकी रैंक की खोज की गई। हालांकि उसने अपनी आभा को ठीक से छिपाया था ताकि दूसरा उसके माध्यम से न देखे। पहले वह केवल निर्देशक से बचते थे, इसलिए उन पर ध्यान नहीं गया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें भविष्य में लो प्रोफाइल रखना होगा। बैठक समाप्त होने के बाद ये जियो ऊपर की ओर चलने लगी। बू हाय आगे आया, उसने ये जियो के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ओल्ड ये, क्या आप जानते हैं कि निर्देशक ने अचानक हमें नीचे लेटने के लिए क्यों कहा? ये जियो ने सिर हिलाया। बू हाय अपने निष्कर्ष पर पहुंचा और कहा, मैंने अभी पहली मंजिल पर सुश्री वांग से सुना है कि हमारे जियांगई शहर में एक नया ग्रैंड मास्टर है। वे नदी के किनारे फिसल गए। पवित्र शक्ति /2000 फीट से अधिक फैला हुआ है। अब कई मंचों पर हंगामा हो रहा है। ये जियो की आंखें फड़क गई, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली क्योंकि उसने कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक नया ग्रैंड मास्टर है ना? जियांगई शहर में पहले से ही कुछ ग्रैंड मास्टर हैं। शायद यह उनमें से एक है। यह असंभव है। जब तक वे ग्रैंड मास्टर हैं, वे सेना में शामिल होंगे या कंपनियों द्वारा अग्रिम पंक्ति में स्टार बीस्ट से लड़ने के लिए काम पर रखा जाएगा। जियांगई शहर में केवल 3 ग्रैंड मास्टर बचे हैं। एक हमारे निदेशक ओयांग युनेजोंग हैं और दूसरा मार्शल आर्ट्स अकादमी किन शेंगलों के निदेशक हैं। आखिरी वाला जियांगई शहर नांगोंग लिंग की 100 साल की प्रतिभा है। उनमें से 3 कृपाण अभ्यासी नहीं थे। भले ही वे ग्रैंड मास्टर हैं, फिर भी वे इस तरह के कृपाण चिन्ह नहीं बना सकते हैं। ओह, यह आपकी प्रतिक्रिया है। क्या आप खुश नहीं है कि जियांगई शहर में हमारे पास एक नया ग्रैंड मास्टर है? क्या आप इसका बेसब्री से इंतजार नहीं कर रहे हैं? ग्रैंड मास्टर्स मेरी थाली में खाना नहीं रखेंगे। अगर आप मेरे पैसे मुझे वापस कर सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओह, बू हाय ने अपनी नाक रगड़ी। उसका चेहरा थोड़ा अजीब था। मैं वापस जाऊंगा और इसे तुरंत स्थानांतरित कर दूंगा। इतना कहकर दोनों दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। बू हाय जितनी जल्दी हो सके अपने प्रबंधन क्षेत्र की ओर भागा, जबकि ये जियो तीसरी मंजिल की ओर चला। उद्धरण चिन्ह .. उद्धरण चिन्ह। उसने बू हाय को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। दोस्त तो दोस्त थे, लेकिन राज अभी भी रखना था। इसके अलावा आज जो हुआ उसने ये जियो को, जो एक बहुत ही शांतचित व्यक्ति था, खतरे का एहसास कराया। भले ही वह अनजान था और लो प्रोफाइल रखता था, अगर वह बार बार खुद को एक्सपोज करता रहा तो अभी भी खतरा बना हुआ है। सीधे शब्दों में कहें तो वह अभी भी काफी मजबूत नहीं था, इसलिए उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। सबसे पहले उसे जियांटियन क्षेत्र के अंतिम चरण में आगे बढ़ने और एक वर्ष के भीतर एक दिव्य ग्रैंड मास्टर बनने के लिए एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करना था। दो घंटे पढ़ने के बाद ये जियो ने महसूस किया कि उसका छोटा लक्ष्य बहुत यथार्थवादी नहीं था। उसने हल्की सी आह भरी और महसूस किया कि जियांटियन द्वितीय श्रेणी में प्रथम आने का प्रयास करना बेहतर है। इतने सारे साहित्यिक संस्करण थे कि आधे दिन के बाद भी उन्हें अलग अलग मूल की 2 अन्य साधना पद्धतियां नहीं मिली। उन्हें बस कुछ मानसिक साधना तकनीक खोजने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति गति को बढ़ाने के लिए जितनी जल्दी हो सके एक उच्च स्तरीय मानसिक साधना तकनीक को संश्लेषित करने का प्रयास करने की आवश्यकता थी। इस तरह वह अपनी खुद की लड़ाकू ताकत भी बढ़ा सकता था। इसलिए ये जियो ने अपनी गति को धीमा कर दिया और स्टार बीस्ट रिकॉर्ड को निकालना जारी रखा जिसे उसने हाल ही में पढ़ा था। यह एक धारावाहिक पुस्तक थी और समय समय पर एक नई श्रृंखला जारी की जाती थी। मुख्य सामग्री स्टार बीस्ट इंसाइक्लोपीडिया के बराबर थी। यह उनके पिछले जीवन के माउंटेन और सी स्क्रिप्चर जैसा था, लेकिन इसे बनाया गया था और स्टार बीस्ट रिकॉर्ड वास्तविक थे।
ये जियो के हाथों में किताब एक नई श्रृंखला थी, टाइगर डायमंड्स। उन्होंने पुस्तक का पहला पन्ना पलटा और उत्तम लेआउट ने उनकी रुचि को बढ़ा दिया। मनुष्यों के बीच एक प्राचीन कथा थी, एक बाघ दानव द्वारा एक व्यक्ति को खा लेने के बाद यह उनकी आत्मा को मुक्त नहीं करेगा, यह उनकी आत्मा को अपना दास बना लेगा, और जब बाघ दानव एक नए मानव को लुभाएगा तभी आत्मा को मुक्त किया जाएगा। उस तरह की चीज स्टार बीस्ट के बीच भी मौजूद थी। हालांकि स्टार बीस्ट को इंसानों को खाने की जरूरत नहीं थी, वे प्रलोभन या आध्यात्मिक दबाव के द्वारा मनुष्यों को नियंत्रित कर सकते थे। वहां से वे मनुष्यों को निगरानी, हमलों और अन्य कार्यों की एक श्रृंखला करने के लिए आदेश दे सकते थे। बाघ के दानव सामान्य मनुष्यों की तरह दिखते थे, लेकिन उनका स्वभाव पहले से ही स्टार बीस्ट द्वारा बदल दिया गया था। वे स्टार बीस्ट की तरह काम करते थे, किसी भी समय इंसानों को मारते थे। वे स्टार बीस्ट से कम खतरनाक नहीं थे। वास्तव में यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने स्टार बीस्ट से भी बड़ा खतरा पैदा किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बिल्कुल लोगों की तरह दिखते थे और छिपने में अच्छे थे, इसलिए मनुष्यों के लिए अपने असली रंगों की खोज करना बहुत दुर्लभ था। केवल जियांटियन क्षेत्र और उससे ऊपर के मार्शल कलाकार ही अपनी वास्तविक पहचान की खोज कर सकते थे जब उनकी इंद्रियों को बहुत मजबूत किया गया था। बाघ राक्षसों और मनुष्यों के बीच एकमात्र अंतर यह था कि उनके पास लगातार हत्या का इरादा होगा। तारे के जानवरों की तरह वे भी इंसानों का शिकार करना चाहेंगे। इसे पढ़ने के बाद ये जियो थोड़ी मदद नहीं कर सकी, लेकिन थोड़ा शर्मा गई। अनोखा, ऐसा क्यों लगता है कि जिस व्यक्ति को मैंने गैरिसन में देखा था वह इस पृष्ठ पर दिए गए विवरण से मेल खाता है। हो सकता है कि वह एक बाघ दानव है। अगर वह वास्तव में एक बाघ दानव था, जेल में प्रवेश कर रहा था जहां अनुसंधान के लिए कई स्टार बीस्ट रखे जा रहे हैं, यह शायद अच्छी बात नहीं थी। ऐसा लगता है कि मुझे गैरिसन टीम को सूचित करना चाहिए। आखिर मैं भी जियांगई शहर में ही रहता हूँ। यदि वह वास्तव में एक बाघ दानव होता तो यह जियांगई शहर में जीवन को अस्त व्यस्त कर सकता था। इसके अलावा गैरिसन टीम के पास ऐसे पोस्ट थे जो गुमनाम रूप से संदेश छोड़ सकते थे, इसलिए वे उसे नोटिस नहीं करेंगे। यह एकदम सही था। ये जियो ने अपना फोन निकाला और उन्हें चेतावनी देने के लिए एक संदेश लिखा। डिंग। उसने अभी आखिरी पन्ना पढ़ना ही बंद किया था कि घड़ी की घंटी बजी। ये जियो ने अपनी किताब बंद कर दी। उसके खाने का समय हो गया था। उस दोपहर कैफेटेरिया में कुछ व्यंजन थे जो ये जियो को पसंद थे। मेपो टोफू, काली मिर्च, बीफ टेंडरलॉइन, मसालेदार चिकन स्ट्रिप्स। उसे खाने के लिए बस एक जगह मिल गई थी, लेकिन इससे पहले कि वह बैठ पाता वू भाई उसके सामने बैठ गया। ओल्ड ये, मैंने आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, इसे स्वीकार करना याद रखें। ये जियो ने सिर हिलाया। ओल्ड ये, आपको क्या लगता है कि यह नया ग्रैंड मास्टर कौन है? मैंने उसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? आपको क्या लगता है कि ग्रैंड मास्टर रैंक तक कौन आगे बढ़ना चाहेगा? ये जियो ने सिर हिलाया। मैं भी नहीं जानता। सास, अगर मैं ग्रैंड मास्टर होता तो यह बहुत अच्छा होता। तुम्हें मेरे पिता होने का ढोंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। देखते हैं कौन मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत करता है। बुहाई ने एक कॉल लार निगल ली और उसकी आंखों में एक तड़पती हुई अभिव्यक्ति दिखाई दी। ग्रैंड मास्टर बनना कितना अद्भुत होगा। हालांकि जियांगई शहर से हर साल 100,000 लोग स्नातक होते थे, लेकिन उनमें से केवल 10 ही ग्रैंड मास्टर बनने के लिए खेती करने में सक्षम थे। इसके अलावा वे 10 लोग तुरंत ग्रैंड मास्टर नहीं बनेंगे। जियांटियन क्षेत्र में आगे बढ़ने और ग्रैंड मास्टर बनने से पहले उन्हें दशकों की कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ा और महान अवसरों की तलाश करनी पड़ी। अगर वह ग्रैंड मास्टर बन जाता तो वह 10 साल कम जीने को तैयार होता। एक ग्रैंड मास्टर बनने के बाद क्या आपको अभी भी रेड रोमेंस में जाने की आवश्यकता होगी? ये जियो के अचानक शब्दों ने गुहाई को स्तब्ध कर दिया और उसने तुरंत अपना सिर फोड़ लिया। सही बात है, मेरे दिमाग से अगर मैं एक ग्रैंड मास्टर होता तो क्या महिलाएं मेरे पैरों पर नहीं गिरती? मैं रेड रोमेंस में क्यों जाऊंगा? बुहाई ने मन ही मन सोचा। बिल्कुल नहीं, मुझे जल्दी करना है और अपना छात्र आईडी प्राप्त करना है। जब समय आएगा मैं जिंग मार्शल आर्ट्स अकादमी के प्रोफेसरों के व्याख्यान सुनने जाऊंगा। शायद यह मेरे लिए ग्रैंड मास्टर बनने का अवसर है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसने जल्दी से अपना भोजन नीचे कर लिया। मुंह में खाना भरकर वह भाग गया। ओल्ड ये, मैं पहले जा रहा हूँ।
2 बजे अपना कार्ड स्वाइप करने में मेरी मदद करना याद रखें। ये जियो ने बेबसी से सिर हिलाया। उसके लिए गु हाई के विचारों को समझना बहुत मुश्किल था। यह पूरी तरह से अपने अचूक चरित्र के कारण नहीं था कि उसने जानबूझकर अपनी साधना की ताकत का पीछा नहीं किया। बेशक यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि उनके लिए ग्रैंड मास्टर बनना बहुत आसान था। एक सामान्य व्यक्ति को ग्रैंड मास्टर बनने में कम से कम 10 वर्ष या उससे अधिक का समय लगता है। अगर उन्हें ठीक से याद है तो एक किताब थी जिसमें दर्ज किया गया था कि उस दुनिया के इतिहास में सबसे तेज ग्रैंड मास्टर बनने वाला व्यक्ति प्राचीन काल से प्रसिद्ध जनरल ली कुंगसियाओ था। प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार से ग्रैंड मास्टर बनने में उसे 8 साल लगे। वह अधिपति जियांग यू और ल्यू बू से भी 2 महीने तेज था। यह अफसोस की बात थी कि वह दैवीय संप्रदाय के बाद क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े, इसलिए उनके जीवन का उच्चतम बिंदु सामान्य बनना था। अपने लिए उन्होंने केवल 0.5 साल बिताया। उस नजरिए से क्या ऐसा हो सकता है कि वह दुनिया के नंबर एक जीनियस थे? बेशक ये जियो बहुत आत्मसंतुष्ट नहीं होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे केवल रिकॉर्ड किए गए कौतुक थे। निश्चित रूप से कुछ ऐसे जीनियस थे जो कागज पर नहीं थे, शायद उन मनुष्यों में से जो दर्ज नहीं किए गए थे। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी हों जो अभी अभी पैदा हुए हों। वे लोग जियांटियन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, दुनिया में तथाकथित नंबर एक। यदि आप बहुत गंभीर होते तो आप हार जाते। इसके अलावा भले ही वह ये जियो वास्तव में इस समय दुनिया में नंबर एक था, वह केवल साधना गति के मामले में दुनिया में नंबर एक होगा। उनकी खेती दुनिया में नंबर वन होने से कोसों दूर थी। दुनिया में नंबर एक बनने से पहले वह अभी भी कचरा ही होगा। बट भरपेट खाने पीने के बाद उन्होंने पढ़ना जारी रखा। पढ़ने ने ये जियो को मजबूत बनाया और सीखने ने उसे खुश किया। हालांकि जब वह अपने प्रबंधन क्षेत्र में पहुंचे तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन चौंक गए। उनके इलाके में दरअसल एक लड़की थी जो टेबल के सहारे झुककर किताब पढ़ रही थी। पुस्तकालय दोपहर के समय बंद नहीं होता था, इसलिए यहाँ पाठकों का होना सामान्य था। हालांकि ये जियो को आश्चर्य हुआ कि कोई वास्तव में बुनियादी साधना तकनीकों को देखने के लिए तीसरी मंजिल पर आया था। लड़की दिखने में बहुत अच्छी थी। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा ऐसा लग रहा था कि उसे सिर्फ एक नल से तोड़ा जा सकता है, और उसके गालों के पीलेपन में लाल रंग का रंग था। जैसे ही वह मेज पर पढ़ रही थी, उसके आधे लंबे काले बाल उसके सामने की ओर झड़ गए, जिससे विद्वान आभा का संकेत मिला। हालांकि ये जियो ने अपनी सीट पर लौटने से पहले केवल एक नजर चुरा ली। उसने लड़की की ओर पीठ करके पढ़ना जारी रखा। हालांकि वह सुंदर थी, फिर भी वह ये जियो के लिए एक किताब की तरह आकर्षक नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पढ़ना किसी को भी मजबूत बना सकता है। एक औरत को देखने से सिर्फ अपना समय बर्बाद होगा। ये जियो ने मानसिक साधना तकनीकों के बारे में एक के बाद एक किताबें पढ़ी, जब तक कि वह काम से बाहर नहीं हो गया। अंत में उन्हें एक उपयुक्त मानसिक साधना तकनीक स्विमिंग ड्रैगन रिटर्न्स टू द सी मिल गई। तब तक उन्होंने 3 मानसिक साधना तकनीकों को एकत्र कर लिया था। उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें मर्ज करने और उन्हें उन्नत करने से पहले उन्हें कितनी मूल मानसिक साधना तकनीकों को इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। उस दौरान किताबें लेने के अलावा वह बिल्कुल भी नहीं हिला। इसके अलावा उसकी पीठ हमेशा लड़की की ओर थी। डिंग, ये जियो ने किताब बंद की, अपने शरीर को फैलाया, खड़ा हुआ और लड़की के पास गया। ग्रैंड मास्टर बनने के बाद भले ही उन्होंने जानना न चाहा हो, लेकिन उन्हें चंद मीटर के अंदर होने वाली हर बात की जानकारी थी। इसलिए वह जानता था कि लड़की नहीं गई है और अभी भी कृपाण तकनीक से संबंधित पुस्तकों की खोज कर रही है। लाइब्रेरी बंद है, तुम्हें अब चले जाना चाहिए। उसने ये जियो को एक विस्मय में देखा, लेकिन जब उसने अपनी कलाई पर घड़ी की जांच की तो उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, मैं इन किताबों को पढ़ने के लिए उधार लूंगा। ये जियो ने सीधे उसे देखा गंभीरता से। वह पहले भी ऐसा कर सकती थी, फिर भी उसे अब यह करना था। सभी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद उसे कम से कम 10 मिनट के लिए ओवरटाइम काम करना होगा। लाइब्रेरी का एक नियम है, पुस्तकालय बंद होने के बाद कोई भी साधना तकनीक उधार नहीं दी जा सकती है। आप कल काम के समय में वापस आ सकते हैं। उसकी भौहें थोड़ी उठी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि उसने ये जियो की जलन पर ध्यान दिया था, इसलिए उसने चतुराई से किताब नीचे रख दी और धीरे से माफी मांगी, मुझे माफ करें। फिर वह मुड़ी और चली गई, अपने पीछे बगीचों की हल्की सुगंध छोड़ गई। ये जियो का मूड काफी बेहतर था।
हालांकि यह उसकी खुशबू के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह चली गई थी। वह अंत में छोड़ सकता था। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने एक किताब के नीचे एक छात्र कार्ड देखा। उसने उसे टेबल से उठा लिया। कार्ड हल्के हरे रंग का था। उस पर वही गार्डेनिया खुशबू थी और साथ ही एक खूबसूरत फोटो भी। किन युयान, जियांगवेई मार्शल आर्ट्स अकादमी के केंडो विभाग में चौथे वर्ष की छात्रा। वह सुंदर है, लेकिन दुर्भाग्य से वह बहुत तेज नहीं है। अपना सिर हिलाते हुए ये जियो कैफेटेरिया की ओर तेजी से बढ़ा। वह उस रात रोस्ट डक ऑर्डर करना चाहता था, लेकिन क्योंकि यह बहुत चिकना था, उसने आखिरकार चिकन को हाथ से बने नूडल्स के साथ चुना। अपने भोजन के आधे रास्ते में ये जियो का फोन बजा। यह गुहाई था। नमस्ते ओल्ड ये, क्या तुम आज रात व्यस्त हो? अगर आप कुछ चाहते हैं तो बस कहो। अरे, मुझे हमारे लिए छात्र आईडी मिल गई है, लेकिन मुझे कुछ करना है। क्या आप उन्हें लेने के लिए जियांगवेई मार्शल आर्ट्स अकादमी जाने के लिए कुछ समय ले सकते हैं? ठीक है, मैं लटका देता हूँ, ये जियो ने सरलता से उत्तर दिया। फांसी लगाने से पहले उसकी तेज आवाज ने फोन के जरिए उसके जोर से सांस लेने की आवाज को साफ तौर पर पकड़ लिया। वह बवुआ शायद फिर से ईमानदार नहीं हो रहा था। रात के खाने के बाद ये जियो ने दूसरी बस ली और अकादमी के लिए रवाना हो गई। अंडाकार चेहरे वाली एक अच्छी फिगर वाली लड़की के हाथों से उसे दो स्टूडेंट आईडी मिले। हालांकि वह एक ग्रैंड मास्टर था और एक बस से भी तेज दौड़ सकता था, उसे और भी ऐसी चीजें अनुभव करना पसंद था जो अतीत में बीमार होने पर उसके पास करने का मौका नहीं था। इसके अलावा दूसरों ने माना कि वह अभी भी एक प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार थे। अगर वह बाहर जाते तो बस भी नहीं लेते तो बहुत शक होता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने सुंदर होंगे। क्या आप आज रात ड्रिंक करने के इच्छुक हैं? ये जियो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अवाक रह गई। लड़कियां आजकल बसों से तेज चलाती हैं। धन्यवाद, लेकिन मैं नहीं पीता। उनकी चतुराई से अस्वीकृति ने अंडाकार चेहरे वाली लड़की को कुछ हद तक निराश कर दिया। तो ठीक है, लेकिन अगर आप भविष्य में आना और खेलना चाहते हैं तो मैं इंतजार करूंगा। ये जियो ने हल्के से खांसा और कुछ अजीब तरह से जाने के लिए मुड़ा, जिससे लड़की उसके पीछे हंस पड़ी। कोने को मुड़ने के बाद ये जियो ने आखिरकार राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि भले ही मैं पहले से ही एक ग्रैंड मास्टर हूँ, फिर भी मेरी मानसिक स्थिति में सुधार की जरूरत है। जैसे ही उन्होंने अपने विचारों को शांत किया, चौराहे पर बड़े पर्दे ने जियांगवेई शहर का स्थानीय समाचार चैनल बजाया। वर्दी पहने गरिमामय और शिष्ट महिला मेजबान ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बात की। हम इस प्रसारण को तत्काल समाचार के साथ बाधित करते हैं। आज शाम 7:32 बजे जियांगवेई शहर की जेल में स्टार बीस्ट दंगा हुआ। बड़ी संख्या में स्टार बीस्ट जेल से भाग निकले थे। उनमें असाधारण स्तर के स्टार जानवर और ग्रैंड मास्टर स्तर के स्टार जानवर थे। नागरिकों, कृपया बाहर जाने से बचने की कोशिश करें और घर या काम पर शरण लें। जियांगवेई सिटी गैरिसन उन स्टार बीस्ट को पकड़ लेगा और उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये जियो थोड़ा रुक गया। सच में कुछ हुआ। पहले वह अस्पष्ट रूप से महसूस करता था कि जिस आदमी को उसने उस सुबह गैरिसन में देखा था, वह शायद बुरी खबर थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका अनुमान सही था। हालांकि गैरिसन ने दूसरे की पहचान का पता क्यों नहीं लगाया? ग्रैंड मास्टर नांगो गैरिसन में थे तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? इसके अलावा उन्होंने उन्हें गुमनाम रूप से सूचित भी किया। जब वह वहां खड़ा था तो हैरान रह गया, वहां कुछ दूर ही हंगामा हो रहा था। भागो, एक सितारा जानवर आ रहा है, किसी ने शोर मचाया और भीड़ ने भागना शुरू कर दिया। वे सभी जियांगवेई मार्शल आर्ट अकादमी में छिपने लगे। ये जियो ने दूर से कुछ देखा। सड़क पर कुछ गैरिसन सदस्य एक सिवेट बिल्ली को घेर रहे थे और लड़ रहे थे। सिवेट कैट आकार में केवल आधा मीटर थी, लेकिन वह बहुत तेज थी। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि इसकी ताकत दुर्जेय थी। हर बार जब यह हमला करता तो विशाल बल गैरिसन के सदस्यों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता, जो सैकड़ों लड़ाइयों से गुजरे थे। पीछे धकेले जाने पर उनका पूरा शरीर कांपने लगा। क्या वह एक सितारा जानवर है? हालांकि उसने केवल दूर से ही बिल्ली को देखा था, ये जियो उसे देखकर अचंभित हो गया। एक जानवर जो मनुष्यों के साथ इतना छोटा व्यवहार करता था कि वह कई गुना लंबा था और यहाँ तक आधे दिन तक वार करने में सक्षम था। यह एक घातक खतरा था। हालांकि ये जियो की नजर में उनकी हरकतें हास्यास्पद रूप से धीमी थी।
उनकी हरकतों से ये जियो आसानी से विश्लेषण कर सकता था कि गैरिसन के सदस्य अपनी हल्की चोटों के साथ 20 चालों के बाद ही इसे नीचे ले जा सकेंगे। एक ग्रैंडमास्टर के रूप में उनका मार्शल अंतर्ज्ञान त्रुटिहीन था। कई बार उन्हें अंतिम परिणाम जानने के लिए अंत देखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए उन्होंने केवल इसे देखा और कोई कदम नहीं उठाया। जानवरों को साधारण स्टार बीस्ट, असाधारण स्टार बीस्ट और ग्रैंडमास्टर स्टार बीस्ट में विभाजित किया गया है। यह साधना तकनीकों के विभाजन के समान है। एक असाधारण स्टार बीस्ट की ताकत लगभग छठी से नौवीं कक्षा के मार्शल कलाकार के बराबर होती है। एक ग्रैंडमास्टर स्टार बीस्ट पहले से ही एक ग्रैंडमास्टर मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। हालांकि यहाँ के तारे के जानवर छोटे चूजों की तरह बहुत कमजोर थे, उनसे निपटने के लिए चौकी काफी थी। अपना सिर हिलाते हुए ये जियो तुरंत तेज कदमों के साथ पुस्तकालय की ओर चल दिया। वह बस से छूट गया, लेकिन वह इसका इस्तेमाल करने के मूड में नहीं था। जैसे ही वह तेजी से चला, उसके चारों ओर के दृश्य तेजी से पीछे हटने लगे। उस समय बहुत से स्टार जानवर नहीं बच पाए थे, लेकिन उनमें से अधिकांश असाधारण स्तर से ऊपर थे, इसलिए वे जो प्रभाव लाए थे वह बड़े पैमाने पर तारा जानवरों के समान था। जियांगलाई शहर के केंद्र में यह विशेष रूप से खराब था। एक 3 मीटर लंबा मांसल ह्यूमनॉइड जानवर जो एक भरिन की तरह दिखता था, जियांगलाई शहर के मध्य वर्ग में फव्वारे के पास चुपचाप बैठा था। वह एक पतला हाथ पकड़े हुए था और उसे ऐसे खा रहा था जैसे कि वह चिकन विंग हो। चौक के आसपास की इमारतों से चीख पुकार मचती रही। यह एक असाधारण स्तर का सितारा जानवर था जो मानव मार्शल कलाकारों को पकड़कर खा रहा था। किंवदंती के अनुसार, यदि मनुष्य स्टार बीस्ट को हराना चाहते हैं, तो उन्हें स्टार कोर मांस और रक्त का उपयोग करना होगा। यदि उन्होंने उन सामग्रियों को गोलियों में परिष्कृत किया और उन्हें निगल लिया, तो वे बाघ राक्षसों में विकसित हो जाएंगे और अंततः स्वयं स्टार जानवर बन जाएंगे। जहां तक बीस्ट की बात है, तो वे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सीधे तौर पर इंसानों को खा सकते थे। यही वजह रही कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर निशाना साधा। सीधे शब्दों में कहें तो दोनों संस्थाओं ने एक दूसरे को अपने संसाधनों के रूप में माना। हालांकि उसी क्षण दूर से अचानक एक तलवार की किरण ने गोली मार दी। इसने एक असाधारण स्तर के तारे के जानवर का सिर काट दिया और यही नहीं रुका। बूम! एक विस्फोट के साथ तलवार की किरण अंततः भरिन राक्षस के सामने 10 मीटर तक उतरी। इससे जमीन फट गई, जिससे धुएं का गुबार उठ गया। बीटल एस्ट स्टार बीस्ट ने आधा काटे हुए हाथ को जमीन पर फेंक दिया और एक कौर खून बहा दिया। हैरानी की बात यह है कि यह मानव भाषा में बोली जाती थी। कैसे निराशाजनक है, मैं चैन से खाना भी नहीं खा सकता। ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंचने के बाद स्टार बीस्ट की ताकत, आकार और बुद्धिमत्ता में धीरे धीरे वृद्धि होगी। वास्तव में यह मनुष्यों के भाषण को भी विकसित करेगा। जैसे ही धूल जमी, एक बूढ़ा आदमी एक तंग सूट पहने और एक लंबी तलवार लेकर धीरे धीरे ऊपर चला गया। हालांकि उनके बाल और दाढ़ी सभी सफेद थे, लेकिन वे ऊर्जा से भरपूर थे। उसका चेहरा सुर्ख था और उसकी आंखों में चमक थी। वह एक ऋषि की तरह लग रहा था। आसपास की इमारतों में किसी ने उसे पहचान लिया और जोर से चिल्लाया, यह जियांगली मार्शल आर्ट्स अकादमी किनशेंगलोंग के प्रमुख किन है। यह एक ग्रैंड मास्टर है, एक ग्रैंड मास्टर यहाँ है, हम बच गए हैं। भीड़ उत्साह से चिल्लाए और वह ग्रैंड मास्टर रैंक स्टार बीस्ट भी फव्वारे से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में उत्साह नाच रहा था। किनशेंगलोंग, 30 साल, पूरे 30 साल, हम फिर मिलेंगे। क्या आप जानते हैं कि मैं उन 30 वर्षों में कैसे रहा हूँ? किनशेंगलोंग ने आगे बढ़ते हुए अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे पकड़ लिया। उसकी निगाह स्टार बीस्ट पर टिकी हुई थी। आपको बाहर नहीं आना चाहिए था। यदि आप आज्ञाकारी रूप से जेल में रहे होते, तो शायद आप कुछ और वर्षों तक जीवित रह पाते। हा 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 हा, आसमान पर पागलपन से हंसने के बाद स्टार बीस्ट की निगाह ठंडी हो गई। उसने अपना पैर थपथपाया और अचानक ताकत इकट्ठी कर ली। एक तोप के गोले की तरह वह तुरंत किनशेंगलोंग के सामने आ गया। किनशेंगलोंग ने अपना सिर हिलाया। आप खुद को अधिक महत्व देते हैं। इतना कहकर उसने बिजली की गति से अपनी तलवार निकाली। जैसे ही उसने अपनी तलवार निकाली, उसके जियांटिन क्षेत्र की शक्तिशाली शक्ति उसकी तलवार में लहर की तरह उड़ गई। जैसे ही ग्रैंड मास्टर स्टार बीस्ट उसके सामने आया, उसकी तलवार उसके सिर के ऊपर से टकरा गई।
एक पल में एक अंधेरी रोशनी ने पूरे चौक को भर दिया, जिससे अनगिनत मनुष्यों और तारे के जानवर ने फ्लैश के खिलाफ अपनी आंखें बंद कर ली। बूम! अगले ही सेकंड में एक जोरदार धमाका हुआ और जोरदार झटके ने जमीन को हिला दिया। चौक के चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें भी हल्की सी कांपने लगी। शक्तिशाली बल ने आसपास की इमारतों में इंसानों को और भी उत्साहित कर दिया। यह जियांटियन क्षेत्र में एक मार्शल कलाकार की शक्ति थी। उस छोटे से मानव शरीर के साथ वह एक पृथ्वी टूटने वाली दैवीय शक्ति को मुक्त करने में सक्षम था। कई लोगों ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और अपने दिलों में चिल्लाने लगे, जियांटियन क्षेत्र, इसके लिए प्रयास करें। हालांकि एक क्षण बाद जब प्रकाश गायब हो गया तो सभी ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे की मुस्कान मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन गायब हो गई थी। यह कैसे संभव है? चौक पर ग्रैंडमास्टर स्टार बीस्ट ने किनशेंदलों की तलवार को रोकने के लिए अपने एक हाथ का इस्तेमाल किया। वह हानिकर था। किनशेंदलों का चेहरा भी सदमे से भर गया था। क्या आपको इसकी उम्मीद नहीं थी? बूढ़ा कुत्ता किन, यह सब इंसानों की बदौलत है। स्टार बीस्ट जीन को एकीकृत करने के बाद मैं एक ऐसे कवच के साथ विकसित हुआ हूँ जो ब्लेड और भाले के लिए अभेद्य है। तुम मनुष्यों में कोई महान संप्रदाय व दैवी संप्रदाय में नहीं है। मेरे कवच को तोड़ने के लिए बस इतनी ताकत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मुक्का मारते ही स्टार बीस्ट के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। ठीक नहीं, किन शेंगलों की अभिव्यक्ति बदल गई। वह तुरंत पीछे हटना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टकराना। एक और बड़ा धमाका हुआ और किन शेंगलों को दूसरे के मुंह से उड़ते हुए भेज दिया गया। बीच में उसने खून का एक कौर थूक दिया। इससे पहले कि वह जमीन पर उतर पाता, एक और व्यक्ति अचानक उसे पकड़ने के लिए बाहर निकल आया। मुझे छुए मत, तुम्हारी पसलियां टूट गई हैं। किन शेंगलोग ने उस व्यक्ति से परहेज किया और अपनी ताकत को नियंत्रित करने के लिए अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया। जमीन पर उतरने के बाद वह कई कदम पीछे हट गया। प्रत्येक चरण ने सीमेंट की कठोर जमीन पर 20 सेंटीमीटर से अधिक का पदचिन्ह छोड़ा। हैरान कर देने वाला नजारा था। वह आंकड़ा तुरंत उसकी रक्षा के लिए उसके पास आ गया। यह कोई और नहीं बल्कि पुस्तकालय के निदेशक ओयांग युनजोंग थे। ओल्ड किन, क्या तुम ठीक हो? किन शेंगलोग ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं अभी तक नहीं मरूंगा, लेकिन अगर मैं इस साथी को नष्ट नहीं कर सकता तो पूरे जियांगई शहर का सफाया हो जाएगा। नेंगोंग लिंग वर्तमान में जेल में बंद है। मैंने उच्च अधिकारियों को पहले ही सूचित कर दिया है और उन्हें जल्द ही मार्शल कलाकारों को भेजना चाहिए। पकड़ना, आप एक मौका नहीं खड़े होंगे। जैसे ही उन्होंने बात की, स्टार बीस्ट एक बार फिर से चार्ज हो गया। एक उच्च स्तरीय स्टार बीस्ट की बुद्धि मानव से कम नहीं थी और यह उन्हें एक साथ लड़ने का मौका नहीं देती थी। दो मानव ग्रैंड मास्टरों को एक बार फिर युद्ध में मजबूर होना पड़ा, लेकिन दूसरे पक्ष के बचाव को तोड़ने में असमर्थ, वे इस हद तक हार गए कि वे अपना सिर भी नहीं उठा सकते थे। उन्हें बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था और वे दूसरे पक्ष के अपराध को धीमा करने के लिए केवल अपनी टीम वर्क और आसपास की इमारतों पर भरोसा कर सकते थे। स्टार बीस्ट ने उन्मादी हमले किए। उनकी प्रत्येक लोहे की मुट्ठी ने 1000 पाउंड से अधिक की ताकत लगाए। इसके हमले जमीन में एक बड़ा गड्ढा छोड़ने में सक्षम थे। सड़कों पर एक के बाद एक धमाकों की आवाजें आने लगीं और उनके बल से आसपास की इमारतें कांप उठी। इमारतों में छिपे इंसान डर के मारे कांपते हुए एक साथ छिप गए। दो ग्रैंड मास्टर्स की संयुक्त ताकत के बावजूद वे अभी भी ग्रैंड मास्टर स्टार बीस्ट को दबाने में असमर्थ थे। उस तरह की निराशा सर्वनाश की शुरुआत से अलग नहीं थी। उसी समय हवा के झोंके के साथ एक आकृति आखिरकार पुस्तकालय के पास आ गई। मैं अंत में वापस आ गया हूँ। लाइब्रेरी को देखकर ये जियो का दिल थोड़ा शांत हुआ। इससे पहले कि वह शांत होता, उसने दूर से गली से आने वाले हिंसक विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनी। उसके बाद और विस्फोट और करीब आते गए। ये जियो ने अपनी निगाहें घुमाई और थोड़ा सा भौंकने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या एक शक्तिशाली सितारा जानवर है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वे दो ग्रैंड मास्टर अपने साथ नहीं रह पाएंगे। छोटे स्टार बीस्ट को गैरिसन टीमों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन यह एक, मुझे डर है कि बहुत से लोग मर जाएंगे। एक पल के लिए सोचने के बाद ये जियो ने अपने बगल के फूलों के बिस्तर से एक हरा पत्ता उठाया। जबरदस्त कृपाण का इरादा एक ग्रैंड मास्टर की अतुलनीय रूप से घनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिश्रित होता है,
जो पत्ती के भीतर संघनित होता है, जिससे यह एक चमकदार सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन करता है। जाओ, अपनी उंगली की एक झिलमिलाहट के साथ हरी पत्ती बिजली के सुनहरे बोल्ट में बदल गई और बाहर निकल गई। डॉट डॉट डॉट, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। सड़क पर ग्रैंडमास्टर स्टार बीस्ट ने लापरवाह तरीके से किन शेंगलोग और ओयंग युनजोन को कुचल दिया। इसकी खेती उन दोनों से अलग नहीं थी, वे तीनों जियांटियन प्रथम श्रेणी में थे। हालांकि इसका उत्परिवर्तित खोल कवच जितना कठोर था, ब्लेड और भाले द्वारा अभेद्य, जिससे यह अपने दोनों हमलों के खिलाफ पूरी तरह से बचाव कर सके। दूसरी ओर ग्रैंडमास्टर केवल अपने हमलों का उपयोग स्टार बीस्ट के हमले को बेअसर करने के लिए कर सकते थे। उनके पास जवाबी कार्रवाई करने का कोई तरीका नहीं था। ओयांग युनजोंग का चेहरा उदास हो गया। लाइब्रेरी के लिए पीछे हटना। पुस्तकालय के शीर्ष तल को मजबूत करने वाला टाइटेनियम मिश्र धातु इस्पात है, इसे अपने हमलों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, स्टार बीस्ट की हत्या की मंशा एक बार फिर तेज हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भागने की अनुमति दूंगा? यहीं तुम मरोगे, कोई कहीं नहीं जा रहा है। एक उग्र धौंकनी अपने क्रोध से भरी हुई एक शक्तिशाली लहर की तरह उन दोनों की ओर दौड़ पड़ी। उस समय उन दोनों को कुचलने का इरादा रखते हुए स्टार बीस्ट ने पहले ही अपनी ताकत अपने चरम पर पहुंचा दी थी। किन शेंगलोंग और ओयंग युनजोन पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे और वे अपनी ताकत को बढ़ाने में असमर्थ थे। इस कदम के सामने वे बेबस थे। सब खत्म हो गया, क्या हम यहाँ मरने जा रहे हैं? उन दोनों में मायूसी छा गई। लेकिन उसी समय उन दोनों के बीच से प्रकाश की एक सुनहरी किरण निकली। यह ब्लेड की तरह सीधा था और ग्रैंड मास्टर स्टार बीस्ट के शरीर में छेद किया गया था। जब प्रकाश की किरण चमकी तो एक सेकंड बाद ह्यूमनॉइड जैसा भरिंग तारा जानवर और उसके पैरों के नीचे की सड़क एक पृथ्वी टूटने वाले विस्फोट के साथ अलग हो गई। बूम स्लैश ने एक विशाल दरार का कारण बना जो 1000 मीटर से अधिक लंबा और 5 मीटर चौड़ा था, जिसमें 4 मीटर की गहराई थी। उस हमले से पूरा शहर दहल उठा, धूल हवा में उठ गई और 1000 मीटर लंबा धूल अवरोध धीरे धीरे प्रभाव से उभरा, जिससे सभी की दृष्टि धुंधली हो गई। प्लॉप प्लॉप प्लॉप, ग्रैंडमास्टर स्टार बीस्ट दो भागों में बंट गया और दरार में गिर गया। इसके आंतरिक अंग हरे रक्त के साथ मिश्रित होकर जमीन पर बहने लगे। फिर भी उसकी आंखों ने मरने से पहले के अहंकार को बरकरार रखा। दूसरे शब्दों में उसके पास उस स्लैश पर प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। किन शेंगलोंग और ओयांग युनजोंग अवाक रह गए। उनमें से एक जमीन पर बैठ गया जबकि दूसरा चकरा गया, दरार के दोनों किनारों पर खड़ा था। क्या वे बच गए? ऐसे ही किसी ने ग्रैंडमास्टर रैंक स्टार जानवर को सिर्फ एक ही चाल से मार डाला था। यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वे इस पर विश्वास नहीं करते। इसके अलावा वह स्लैश इतना परिचित था, क्या यह उस रात के रहस्यमय मार्शल आर्टिस्ट की ओर से की गई स्लैश नहीं थी? ओल्ड किन, एक बार देख लो। एक ग्रैंडमास्टर की दृष्टि बहुत अच्छी थी। ओयंग युनजोंग एक नजर से बता सकता था कि एक हरी पत्ती उस इमारत में घुसी हुई थी जहां स्लैश समाप्त हुआ था। किन शेंगलोंग ने उस दिशा में देखा जिस ओर वह इशारा कर रही थी। शिष्य सिकुड़ते ही उनका पूरा शरीर कांपने लगा। एक ग्रैंडमास्टर, वे निश्चित रूप से एक ग्रैंडमास्टर हैं। ग्रैंडमास्टर स्टार बीस्ट के खोल को जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बढ़ाया गया था और उत्परिवर्तित किया गया था। ग्रैंडमास्टर के स्तर से नीचे का कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता था। इसका मतलब था कि मार्शल कलाकार की आक्रमण शक्ति एक ग्रैंडमास्टर की होनी चाहिए। वे दोनों एक ही समय में उत्साहित और स्तब्ध थे। उन्होंने अपराधी की तलाश के लिए तुरंत अपना सिर घुमाया, लेकिन उन्होंने केवल पुस्तकालय का खाली प्रवेश द्वार देखा। एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। पलक झपकते ही उनकी आंखों का उत्साह मंद पड़ गया। वे अभी पास ही रहे होंगे। यह अफसोस की बात है कि हमने उन्हें समय पर नहीं देखा। कितना बेकार है, इतने शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट से दोस्ती करना हमारे लिए बड़े सम्मान की बात होगी। शायद वे नहीं चाहते थे कि हम उनकी पहचान के बारे में जाने, लेकिन कम से कम वे हमारे दुश्मन तो नहीं है। नहीं तो जियांगई शहर में उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। दोनों ने आह भरी। कुछ देर स्वस्थ होने के बाद वे तुरंत उस जगह से निकल गए। अभी भी कई तारे के जानवर थे जिनसे निपटने के लिए उन्हें जरूरत थी। जहां तक में पड़ी लाश का सवाल है तो दोनों ने इसका निपटारा नहीं किया। ये जियो के स्लैश ने पहले ही इसके स्टार कोर को तोड़ दिया था। उसका जरा सा भी अंश नहीं बचा था।
यह व्यावहारिक रूप से बेकार था। जैसे ही वे दोनों चले गए, नीले रंग से एक काली आकृति निकली। उन्होंने दरार में लाश को देखा और सिहर उठे, यह सोचने के लिए कि जियांग भाई शहर इतने शक्तिशाली मार्शल कलाकार को छुपा रहा था। ऐसा लगता है कि इस शहर में अपनी निर्बाध योजना को क्रियान्वित करने में हमें अभी भी कुछ समय लगेगा। इतना कहकर वे पलटे और चले गए। उस समय ये जियो पहले ही अपने छात्रावास में लौट आया था। वह नहीं चाहता था कि दूसरे उसकी पहचान का पता लगाएं। अगर उन्हें प्रकाश में लाया गया तो उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया जाएगा, यहाँ तक थोड़ी सी भी गोपनीयता न होने के कारण। उसकी चिंता कम से कम यही थी। उसकी ताकत शक्तिशाली स्टार बीस्ट को उकसाएगी, जो कि प्रसिद्ध होने पर उसे चुनौती देने की कोशिश करेगा। हालांकि यह काफी अच्छा होगा। वह एक छोटे से प्रशासक के रूप में वापस कैसे जा सकता है, जो हर दिन किताबें पढ़ता है और सूखे चावल खाता है। रात आमतौर पर बहुत जल्दी बीत जाती थी, लेकिन उस रात वह असाधारण रूप से बेचैन था। जियांगलाई शहर की सड़कों पर गार्ड शेष तारा जानवरों के साथ घबराहट से निपट रहे थे। इस बीच नेटिजंस मंचों पर झगड़ रहे थे। एक उत्परिवर्तित ग्रैंडमास्टर स्टार जानवर जियांगलाई शहर के दो प्रसिद्ध ग्रैंडमास्टर्स को दबा रहा था। एक रहस्यमय मार्शल कलाकार ने एक ही चाल चली और एक पत्ता लड़ाई को निपटाने के लिए काफी था। जियांगलाई शहर में उस रहस्यमय कृपाण मास्टर के फिर से प्रकट होने का क्या उद्देश्य है? रहस्यमय ग्रैंड मास्टर की पहचान उजागर हो गई है। 40 साल पहले जियांगलाई शहर में प्रतिभा की एक झलक, जिसे 40 वर्षों के भीतर एक महान ग्रैंड मास्टर बनने का मौका मिला था। लगभग हर पोस्ट को 4 मिलियन या उससे अधिक बार देखा गया था। किसी को तो पता ही होगा कि पूरे जियांगलाई शहर की आबादी सिर्फ 8 लाख थी। एक रात में रहस्यमय मार्शल आर्टिस्ट ने सभी की दिलचस्पी जगा दी थी। सुबह सुबह जब ये जियो उठा, उसके सहयोगियों की समूह चैट अभी भी हॉट पोस्ट और समाचार साझा कर रही थी। ये जियो ने समूह चैट को देखा और अपने कपड़े पहन लिए। उसकी आंखों में जरा सी भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह कुछ और सोच रहा था। मेरी खेती केवल जियांटियन प्रथम श्रेणी में है। मुझे मुश्किल से ग्रैंड मास्टर माना जा सकता है। मैं अभी भी एक महान ग्रैंड मास्टर बनने से 2 ग्रेड दूर हूँ। हालांकि हर कोई सोचता है कि मैं पहले से ही एक महान ग्रैंड मास्टर हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे कृपाण की आक्रमण शक्ति पहले ही जियांटियन 4th कक्षा तक पहुंच चुकी हो? किसी की खेती को बदलना असंभव था। उनकी अपार शक्ति का एकमात्र संभावित कारण कृपाण तकनीक ही थी। खेती की तकनीक का ग्रेड जितना मजबूत होगा, हमला उतना ही मजबूत होगा। यह उस वर्तमान रैंक से भी अधिक हो सकता है जिसमें वह था। दूसरे शब्दों में, प्रबल कृपाण पहले से ही एक ग्रैंड मास्टर रैंक की खेती तकनीक की सीमा को पार कर चुका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 7 बुनियादी कृपाण तकनीकों से बनने वाली खेती की तकनीक ग्रैंड मास्टर रैंक से अधिक होगी। यदि यह एक मजबूत साधना तकनीक होती तो मैं नहीं जानता कि यह किस श्रेणी से अधिक होती। मैं यह भी नहीं जानता कि परमात्मा की स्वर्णिम पुस्तक किस श्रेणी की है। हालांकि इसने ये जियो को और अधिक सहज महसूस कराया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जितना मजबूत होगा उतना ही सुरक्षित होगा। ठीक से कपड़े पहनने के बाद ये जियो सबसे पहले कैफेटेरिया में नाश्ता करने गई। वह अभी अभी आया था और उसके पास ऊपर जाने का समय नहीं था जब निर्देशक ने एक और सुबह की बैठक की। रात भर बिना सोए स्टार बीस्ट से लड़ने के बावजूद निर्देशक का रंग अभी भी गुलाबी था और थकान का जरा सा भी संकेत नहीं था। एक जियांटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकार ने वास्तव में सामान्य मनुष्यों की सामान्य सीमाओं को पार कर लिया था। आज की सुबह की बैठक मुख्य रूप से कल रात क्या हुआ था इसके बारे में है।